हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू? गुड यस मैम, मॉर्निंग, गुड इवनिंग गुड मैम, इवनिंग मैम, गुड गुड इवनिंग. इवनिंग. गुड इवनिंग मैम. यस, योर ऑर्डर. ठीक है. हेलो सो वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट टू, पेपर टू, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टेटिस्टिक्स. सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, सो आई विल बी बायस टुवर्ड्स अ टॉपिक विच आर मोर इम्पॉर्टेंट. कोई बताएगा रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? आपने पेपर वन में पढ़ा रिसर्च का मीनिंग? मैम, द वर्ड रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, इन विच री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड. दैट मीन्स टू सर्च अगेन. ठीक है, अगेन कर्लिंग करके डेफिनेशन देख लेते हैं. तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन. सिस्टमैटिक मीन्स देयर इज अ प्रोसीजर विच इज अ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर. कंट्रोल्ड मीन्स यू विल कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. एम्पिरिकल मीन्स विच इज सपोर्टेड बाय एविडेंसेस. क्रिटिकल मीन्स जहां पे आपके पर्सनल बायस नहीं आएंगे. यू हैव टू ऑब्जर्व जैसा भी है, आपको पर्सनल बायस बीच में नहीं लाने. सो व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम? इट इज अ इंटरोगेटिव स्टेटमेंट. कहीं ना कहीं नॉलेज गैप है जिसको आप फिल करना चाह रहे हो थ्रू योर रिसर्च. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करनी है. रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक एंड इट शुड बी सॉल्वेबल प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हो सकता हो. तो एग्जाम्पल बताएगा रिसर्च प्रॉब्लम का? कैन यू क्रिएट एनी रिसर्च प्रॉब्लम? मैम, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू सी द इफेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर ऑन डिप्रेशन. ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या बनेगी? रिसर्च प्रॉब्लम वुड बी डज द थेरेप्यूटिक प्रोसीजर हैव एनी इफेक्ट्स ऑन द लेवल ऑफ डिप्रेशन अमंग. अगर हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अडोलसेंस को लिया है, तो ऑन द डिप्रेशन लेवल्स ऑफ या लेवल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ अडोलसेंस. ठीक है, तो आप देखिए रिसर्च प्रॉब्लम में वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. हम देखना चाह रहे हैं कि जो थेरेपी है एंड डिप्रेशन, वो रिलेशनशिप है क्या उसमें? हम ये रिसर्च प्रॉब्लम में देखना चाह रहे हैं. और स्पेसिफिक अगर करके चलेंगे तो जो भी हम रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, या तो उसमें हम ग्रुप डिफरेंस देखना चाह रहे होंगे, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, डू दे डिफर? या हम देखना चाह रहे होंगे कि दो वेरिएबल्स हैं, डू दे हैव एनी रिलेशनशिप, डू दे हैव एनी एसोसिएशन. इस पॉइंट को हम अगेन डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो व्हाट, आपने लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़े होंगे. मेजरमेंट मींस क्या होता है? व्हेन वी असाइन न्यूमरल्स टू एट्रीब्यूट्स. तो हम चार स्केल्स यूज करते हैं विच आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सोफिस्टिकेशन. मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्केल इज मोर सोफिस्टिकेटेड. So very first scale is nominal scale, where we just have categories with no meaning. Example, जैसे क्रिकेट मैच देखते हो ना, सबको नंबर दिया है 20, 25. Does it mean anything? No, ma'am. No. तो वो क्या nominal scale है? हमने क्या किया, सिर्फ उनको identification करने के लिए हमने उनको नंबर दे दिया है, just to identify. So if I say male is 0, फीमेल इज वन, ठीक है, तो डज इट कन्वे एनीथिंग? डज इट मीन कि फीमेल आर बेटर देन मेल? नो मैम, नो. सो दिस इज नॉमिनल स्केल. आप जहां पे सिर्फ कैटेगरीज है, कोई ऑर्डर नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. बट वेन वी हैव कैटेगरीज प्लस ऑर्डर, देन इट बिकम्स ऑर्डिनल स्केल.
जैसे क्लास में आपकी परफॉर्मेंस होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट कन्वे समथिंग राइट। दैट मींस फर्स्ट जिसका पोजीशन है ही हैज परफॉर्म बेटर देन सेकंड एंड थर्ड, अगेन जिसका सेकंड पोजीशन है उसका परफॉर्मेंस बेटर है थर्ड से। यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज भी हैं प्लस ऑर्डर भी है। कैन आई गिव एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल? ऑर्डिनल स्केल का तो एग्जांपल दे सकते हो डे टू डे लाइफ में से ही। अच्छा है, ठीक हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो मीडियम हाई। ऑर्डिनल स्केल हो सकता है क्या ये? क्योंकि यस मैम, लो से बेटर इज मीडियम, मीडियम से बेटर इज हाई। और भी एग्जांपल याद आ रहा है किसी को? मैम बर्थ ऑर्डर भी ऑर्डिनल स्केल में आ सकता है, ठीक है, ठीक या फिर मैम जैसे यहीं पर एग्जांपल दिया है, अगर कोई कंपटीशन है और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स को दिया गया है या रनर अप दिया गया है, तो दैट इज ऑर्डिनल स्केल। सो अगेन ऑर्डिनल मीन्स कैटेगरीज प्लस ऑर्डर। बट जब हमने देखा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लास में पोजीशन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मान लीजिए फर्स्ट जो फर्स्ट जिसका पोजीशन है उसके परसेंटेज इज 80, सेकंड जिसका पोजीशन है उसके परसेंटेज इज 75 एंड थर्ड की परसेंटेज इज 55। सो जो गैप है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेकंड एंड थर्ड, इज इट इक्वल? नो। नो मैम, सो जब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज इंटरवल स्केल, जहां पे ऑर्डर है प्लस इक्वल डिस्टेंस है। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल इज आईक्यू स्कोर। जैसे आपका मैंने परफॉर्मेंस अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिया था, अभी मैंने आपके क्या करा, आपके स्कोर पूछ लिए 1 to 100, आपके स्कोर पूछ लिए। तो अभी ऑर्डिनल स्केल में व्हाट आई वाज डूइंग कि मैंने इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया। लेकिन जब हम इंटरवल स्केल की बात करें तो हम पूरे 1 to 100 को कवर करेंगे। तो हम उनकी दिस पोजिशन पे ना जाके उनके एक्चुअल स्कोर्स पूछेंगे। जब आपके पास स्कोर्स आएंगे, स्कोर्स भी तो आपको ऑर्डर बताएंगे ना, जिसका स्कोर इज नियर टू 100 उसका बेटर है इन कंपैरिजन टू जिसका स्कोर इज नियर टू 80 प्लस इक्वल डिस्टेंस इज देयर। तो यूजुअली साइकोलॉजी में वी यूज इंटरवल स्केल। देन इंटरवल स्केल में क्या प्लस पॉइंट है कि आपका जो डेटा है इट कैन टेक एनी वैल्यू, लाइक डेसिमल में पॉइंट में भी आपका आंसर आ सकता है। लास्ट इज रेशियो स्केल। बात बताइए, अगर किसी का आईक्यू इज 60, किसी का आईक्यू इज 120, क्या मैं बोल सकती हूँ कि जिसका आईक्यू 120 है उसका 60 से डबल आईक्यू है? जिसका आईक्यू 120 है क्या उसका 60 से डबल आईक्यू है? एनी वन, एनी गेस? नो मैम, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते हैं 120 डबल है? दूसरा एग्जांपल लीजिए कि अगर किसी का मैंने वेलबींग का टेस्ट किया, एक पर्सन का स्कोर इज 40, एक का स्कोर इज 80, कहना ऐसे कि जिसका स्कोर 80 है उसका इससे डबल वेलबींग है? यस और नो? देखिए, जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स है ना, दे डोंट हैव एनी। सब्जेक्टिव होते हैं मैम, सब्जेक्टिव होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। जीरो का मतलब ये नहीं होता, अगर किसी का जीरो स्कोर आया है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल, अगर वेलबींग है, कि वेलबींग है ही नहीं। वो रिलेटिव लेवल्स पर होता है एज पर द पॉपुलेशन। सेम फॉर इंटरवल, ये दिस आईक्यू स्कोर्स, ऐसी कोई कंडीशन हो नहीं सकती व्हेन योर आईक्यू इज जीरो। ठीक है, तो जहां से हमने शुरू किया ना, दैट इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। उस पॉइंट से शुरू करने के बाद फिर क्या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको आपके पास है।
लेकिन उससे पहले ट्रू जीरो नहीं, बट जब रेशियो स्केल की बात करें देयर एग्जिस्ट्स आर ट्रू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से होता है। जैसे हमें किसी का लेंथ मेजर करना है, हाइट मेजर करना है, ठीक है, तो या डिस्टेंस मेजर करना है, तो 4 किलोमीटर का डबल 8 किलोमीटर होगा, सिंपल सा है। 4 किलोमीटर इज 8 किलोमीटर का हाफ, या 8 किलोमीटर इज 4 किलोमीटर का डबल। सो इंटरवल एंड रेशियो में डिफरेंस क्लियर हो गया। यस मैम, देन अगेन दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोफिस्टिकेशन, लाइक नॉमिनल का जो ट्रेट है वो ऑर्डिनल में इनहेरेंट है, प्लस इसमें ऑर्डर भी है। अगेन ऑर्डिनल स्केल के सारे ट्रेट्स इंटरवल में है, प्लस इक्वल डिस्टेंस इज देयर, एंड इंटरवल के सारे ट्रेट्स रेशियो स्केल में, प्लस 2 0 पॉइंट इज देयर। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम। मैम जो हमारा टेम्परेचर स्केल होता है सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, वो इंटरवल में आता है ना, उसमें भी ट्रू जीरो आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करता ना। हाँ, जो हमारा इंटरवल, सेल्सियस वाला है ना यस मैम, वो इंटरवल स्केल में, केल्विन ओके वाला जो है दैट इज इन रेशियो स्केल, क्योंकि ओके मैम, 0 डिग्री दैट डजंट मीन कि हीट नहीं है, वो भी हमने आर्बिट्री लिया है। हमने क्या लिया है ना कि 100 डिग्री किसको मान लिया जहाँ पे वाटर बॉयल होता है, तो भी आर्बिट्री पॉइंट हमने समझ लिया है। यस मैम। एक और आप डिफरेंस समझिए, जो इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल है, यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है, पूरा स्पेक्ट्रम का डेटा है, सो दे आर कॉन्टिन्यूअस स्केल्स, ठीक है। आप इंटरवल में हमने क्या देखा था, आपके टोटल स्कोर पूछे जाएंगे, तो 1 to 100 पे आपने जितना भी स्कोर किया होगा हमें वो पता चलेगा। अगेन रेशियो स्केल में भी क्या होगा, हम जब सपोज डिस्टेंस की बात करें तो आप प्रॉपर बता सकते हो कि 8 किलोमीटर कितने मीटर, तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम कवर होता है, पॉइंट में भी आपका वैल्यू आ सकता है, तो दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें देखिए, देखिए एक और क्लासिफिकेशन समझिए, वेरिएबल या तो मीट्रिक वेरिएबल होगा या कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। मीट्रिक कब बोलेंगे, व्हेन वी हैव अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड कैटेगोरिकल में हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। मीट्रिक में अगेन सब क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट में क्या होगा कि जब डेसिमल में नहीं आएगा, 1 2 3 4 ऐसे ही आ सकता है। जैसे मैं आपसे पूछा आपके कितने फ्रेंड्स हैं, तो आप ये तो नहीं बोलोगे 2.35, वहां पे एग्जैक्ट नंबर होगा, 4 हैं 5 हैं 6, तो दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जब मैं पूछूंगी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बारे में, देन यू कैन हैव पॉइंट्स कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो 77.4, ठीक है, बट दे बोथ आर मीट्रिक वेरिएबल्स। हमारे पास मेजरमेंट के लिए एक यूनिट है। नेक्स्ट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, जहां पर मेजरमेंट का यूनिट नहीं है। जैसे हमने नॉमिनल स्केल देखा था, ऑर्डिनल स्केल देखा था, दे आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। जैसे नॉमिनल में हमने देखा ना कैटेगरीज असाइन करनी है, बट उसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हम, यूनिट नहीं है कोई मेजरमेंट की। इन ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर है, बट अगेन कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है। ये डिफरेंस समझ में आया? प्लीज यस मैम। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। बोलो। हमारा नॉमिनल नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल कैटेगोरिकल में आ गया, और इंटरवल एंड रेशियो कॉन्टिन्यूस में आ गया। ठीक हमारे है। पास कोई भी डिस्क्रीट के लिए होता है लेवल ऑफ मेजरमेंट? डिस्क्रीट सी, डिस्क्रीट ना ये आपका इंटरवल में भी आ सकता है एंड रेशियो में भी आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट हम 2 0 पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। ओके मैम, ये आप मतलब जब भी हम टेस्ट आगे पढ़ेंगे तो मैं कंटिन्यूअसली यही वाले नाम यूज करूंगी, मीट्रिक कॉन्टिन्यूस एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। स्केल समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिस इज पी वाई क्यू। ओके मैम, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है एंड देन यू प्रॉपर्टीज दी थी। सो नॉमिनल स्केल किसके साथ मैच होगा, हम थर्ड वन, किसके साथ? थर्ड वन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन। के साथ, सो नॉमिनल इज अबाउट क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर इन ऑर्डर फोर्थ ऑप्शन फोर्थ के साथ चले जाएगा। इंटरवल P1 के साथ चलेगा, नहीं 1 के साथ नहीं, 2 के साथ, सेकंड के साथ सेकंड क्लासिफिकेशन एंड इक्वल यूनिट्स पूछा जाएगा, एंड देन रेशियो स्केल आ रेशियो में जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगा, तो दिस इज वन ऑफ द पी वाई। एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आप लोगों ने। देखो मैंने आपको दो चीजें बताएंगे कि या तो हम क्या देखेंगे,
भी आप टेस्ट पढ़ेंगे ना, या तो हम उसमें ग्रुप डिफरेंस देखेंगे, ये ग्रुप और दूसरा ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं। दूसरा हम क्या देखेंगे, ये दो वेरिएबल्स आर दे एसोसिएटेड इन एनी वे। ठीक है, एक और चीज आप समझिए, हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज देखेंगे या कोरिलेशन स्टडीज देखेंगे। जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात कर रहे हैं, देन वी आर एस्टैब्लिशिंग कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल रिलेशनशिप जानते हैं आप लोग यस मैम, क्या होते हैं? मैम जहाँ कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हैं वेदर वन वेरिएबल इज इफेक्टिंग द अदर वेरिएबल। ओके, वेयर वन वेरिएबल इज कॉजिंग अनदर वेरिएबल, इज इफेक्टिंग अदर वेरिएबल, नॉट जस्ट इफेक्टिंग, इट इज कॉजिंग आल्सो। कॉजिंग, यस मैम, एक्स इज कॉज ऑफ वाई। यस मैम। ठीक है, दूसरी स्टडीज हम करते हैं कोरिलेशनल स्टडीज, जहाँ पे कॉज नहीं पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे क्या उनमें कोई एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है। तो दे आर सिंपली एसोसिएटेड। ठीक है, दो चीजें जो साथ साथ मूव कर रही है, दैट डजंट मीन कि एक ही वजह से दूसरा मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रिडिक्शन, यहाँ पर कॉजल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, हम प्रिडिक्शन करना है। सिंपल सा डिफरेंस बेसिकली क्या है कि कॉजल, जब हम कॉजल की बात करेंगे तो पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, देर इज एन ऑर्डर, राइट। जब हम कोरिलेशन स्टडीज की बात करें, ऑर्डर नहीं होगा, एक्स एंड वाई दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, हमको बस इसका रिलेशनशिप देखना है। ठीक, अब इनमें भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है। एक्सक्यूज मी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, देर इज एन आईवी, देर इज अ डीवी। सो आईवी इज द कॉज, डीवी इज द इफेक्ट। सो आईवी इज कॉजिंग डीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताएगा कोई क्या होता है, वट एवर यू नो। Which is manipulated by the researcher. ठीक है, और मैम जिस वेरिएबल का इफेक्ट हम स्टडी करते हैं ऑन अदर वेरिएबल्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, कोई एग्जांपल इसका क्रिएट करेंगे कॉज एंड इफेक्ट का। इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, सपोज स्मोकिंग एंड कैंसर, हार्ट डिसीज कैंसर मान लेते हैं। सो स्मोकिंग इज आईबी, ये क्रिएट कर रहा है, ये कॉज कर रहा है टू कैंसर, डीवी, डीवी इज द इफेक्ट। ठीक है, बट अगेन जब दो वेरिएबल हैं उसके बीच में बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो हमारे रिसर्च एंड स्टडी के पार्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, बट स्टिल दे विल एग्जिस्ट। सो हमको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दे आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आर स्टडी, बट एनी हाउ दे डू इन्फ्लुएंस दिस रिलेशनशिप, दिस आई वी डी वी का रिलेशनशिप, दे डू इन्फ्लुएंस। जैसे कि वेरिएबल्स हो सकते हैं ऑर्गेनिज्मिक रिलेटेड, विच आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, अदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, उनका इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, तो जो रिलेटेड है सब्जेक्ट से वो हो गए। नेक्स्ट इज सिचुएशनल वेरिएबल्स, कि जिस एनवायरमेंट में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं, दे कैन ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस, नॉइज, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब हो सकते हैं। एंड थर्ड आर सिक्वेंशियल वेरिएबल, जैसे क्या है कि आपने कोई डिजाइन किया एक्सपेरिमेंट, उसको आपको बैक टू बैक करना है, अभी क्या होगा कि थर्ड टाइम तक आते आते ना उसको प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या कैसे करना है, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड टाइम आते आते उसको फटीग हो जाए। ठीक है, तो ये वेरिएबल कौन से हो गए, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है, वी हैव टू मेक श्योर कि ये हमारे आई बी डी बी को इन्फ्लुएंस ना करें। बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी कर सकते हैं, देन स्टेटिस्टिकली भी हम कर सकते हैं। कोरिलेशन में क्योंकि देर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, तो हम यूज करते हैं प्रिडिक्टर एंड क्राइटेरियन वेरिएबल। सपोज एक्स एंड वाई, सपोज आई वॉन्ट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड वेलबींग, तो मैंने बोला कि ऑप्टिमिज्म इज माई प्रिडिक्टर, ये प्रिडिक्ट कर रहा है, एंड वेलबींग इज अ क्राइटेरियन। ठीक है,
सो ये क्या हो गया, हमारा आउटकम वेरिएबल हो गया, क्राइटेरियन वेरिएबल हो गया. बट एज वी आर कन्वीनियंट विद IVDV वाला एग्जाम्पल, तो कई बार हम क्या करेंगे, कोरिलेशन भी IVDV यूज कर लेंगे. बट वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर IVDV डज नॉट मीन कि कॉजल रिलेशनशिप. ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस मैम. तो कॉजल रिलेशनशिप कब बोलते हैं, इसकी आगे वाले स्लाइड में भी कवर होगा, एक बार आप ही देख लेते हैं. हम कैसे बोलेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में कॉजल रिलेशनशिप है? सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दो टू वेरिएबल शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, जब हमने बात करा रिलेटेड टू ईच अदर, वो कोरिलेशन में भी होगा. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कोरिलेशन वाले में भी पूरी हो जाएगी. दूसरा क्या है कि देयर शुड बी एन ऑर्डर, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा. सपोज मैंने आपको कोई ड्रग दिया फीवर क्योर करने के लिए, तो पहले ड्रग दूंगी फिर उसका इफेक्ट फीवर पे आएगा. तो देर इज ऑलवेज एन ऑर्डर इन केस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप. एंड थर्ड इज नो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन इज अवेलेबल. मतलब जब सपोज अगर आपका फीवर क्योर हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कुछ और भी मैंने आपको दिया है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रग. तो क्या होता है कि फर्स्ट तो फुलफिल हो जाता है कोरिलेशन में भी, सेकेंड भी कभी कभी हो जाएगा, लेकिन थर्ड कंडीशन पूरी करना इज डिफिकल्ट. बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे अदर वेरिएबल्स होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं. तो जब ये तीनों कंडीशन पूरी होती है, देन वी विल से कि ये वेरिएबल्स दे हैव कॉजल रिलेशनशिप. एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं. इतना समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आगे चलें? यस मैम. एक और तरीके के वेरिएबल्स होते हैं. देखिए जैसे मैं, जैसे अभी हमने देखा ना ऑप्टिमिज्म एंड वेलबींग, इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते होंगे ना. जो मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं दे आर, वो क्या बताते हैं, कॉजल सीक्वेंस बताते हैं. ए एंड सी के बीच में कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं. ठीक है, तो उस मीडिएटिंग वेरिएबल के थ्रू क्या होता है कि हम ना जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, सपोज हमने देखा कि ऑप्टिमिज्म बढ़ने से वेलबींग बढ़ रहा है. ठीक है, बट पूरा प्रोसेस क्या है, इसके अंडरनीथ क्या क्या चल रहा है, तो वो हम जानते हैं थ्रू मीडिएटिंग वेरिएबल. जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि बीच में जो आकर हो रहे हैं, दैट इज मीडिएटिंग वेरिएबल. सो ये आंसर करता हाउ, कैसे ऑप्टिमिज्म से वेलबींग बढ़ रहे हैं. तो हमने सपोज हाइपोथेसिस बनाया कि ऑप्टिमिज्म से क्या होता है कि उस पर्सन की सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, एंड जब उसकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है तो उसका वेलबींग बढ़ती है. ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? यस मैम. है ना, हमने देखा कि ऑप्टिमिज्म से सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, सेल्फ एफिकेसी से वेलबींग बढ़ता है. जब हम इन मीडिएटिंग वेरिएबल को नहीं कंसिडर कर रहे थे ना, तो हमको एक बहुत नैरो आंसर मिल रहा था कि ठीक है ऑप्टिमिज्म से वेलबींग बढ़ती है, लेकिन हाउ, कैसे बढ़ती है. तो हमने क्या करा, एक मीडिएटिंग वेरिएबल को भी इंक्लूड कर लिया. अभी क्या होगा, वी कैन डिग डीपर इनटू दिस प्रोसेस कि क्या अंडरलाइंग प्रोसीजर है. सो मीडिएशन में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दिस इज मान लीजिए ऑप्टिमिज्म एंड दिस इज वेलबींग. तो हम ये तो स्टडी करेंगे कि ऑप्टिमिज्म से वेलबिंग कैसे बढ़ रहा है, हम ये भी स्टडी करेंगे कि ऑप्टिमिज्म से सेल्फ एफिकेसी कैसे बढ़ रहा है, हम ये भी स्टडी करेंगे कि सेल्फ एफिकेसी से वेलबिंग कैसे बढ़ रहा है. ठीक है, एंड देन सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे दिस इनडायरेक्ट पाथ विच इज थ्रू सेल्फ एफिकेसी. कैसे, देखो दो डायरेक्ट पाथ बनेंगे, ऑप्टिमिज्म से वेलबिंग कैसे बढ़ रहा है, फिर देखेंगे ऑप्टिमिज्म से सेल्फ एफिकेसी कैसे बढ़ रहा है एंड सेल्फ एफिकेसी से वेलबिंग कैसे बढ़ रहा है. थर्ड क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट पाथ क्या बनेगा, ऑप्टिमिज्म से वेलबिंग कैसे बढ़ रहा है
वाया सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, मीडिएशन दो तरीके से हो सकते हैं, पार्शियल मीडिएशन एंड फुल मीडिएशन। देखो अगर हमने क्या देखा कि ऑप्टिमिज्म वेलबींग में ना, ऑप्टिमिज्म से वेलबींग नहीं बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जीरो वैल्यू है, बट जब सेल्फ एफिकेसी को कंसिडर करें तो वैल्यू सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स फुल मीडिएशन। कि इन प्रेजेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी ही ऑप्टिमिज्म से वेलबींग बढ़ता है, सेल्फ एफिकेसी नहीं होगा तो ऑप्टिमिज्म से वेलबींग नहीं बढ़ेगा, सो दिस इज फुल मीडिएशन। पार्शियल में क्या होगा कि ऑप्टिमिज्म से इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्फ एफिकेसी के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो मैम, इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे इन केस रिक्वायर्ड। यस मैम। आप लोगों ने अनोवा पढ़ा है? आप लोगों ने अनोवा पढ़ा है, फैक्टोरियल डिजाइन या इंटरेक्शन इफेक्ट? यस मैम पढ़ा है। यस मैम। व्हाट इज एन इंटरेक्शन इफेक्ट? इंटरेक्शन इफेक्ट बेसिकली टू वे अनोवा में होता है, एंड इसमें आईवी और डीवी के बीच में जो एक वेरिएबल होता है, जो सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका इफेक्ट हम स्टडी करते हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और कोई बताएगा? सी व्हाई आर वी कॉलिंग इट इंटरेक्शन? दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंटरेक्शन ऑन द डीवी। राइट राइट। इस पे मॉडरेशन पे ना क्वेश्चन था, सो मैं इसको कवर करा रही हूँ आपको अभी ना। मॉडरेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेट मी बहुत सिंपली समझेंगे इसको। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेसर है, ये कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके पास है, आपको स्ट्रेस फील होगा, सिंपल। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एग्जाम प्रेशर है, कुछ भी हो, मान लीजिए आपको स्ट्रेस फील होगा। अब इसमें क्या होगा कि कुछ लोगों को कम फील होगा, कुछ को ज्यादा फील होगा। ठीक है, मान लीजिए जिसका सोशल सपोर्ट सिस्टम इज स्ट्रांग, उसको स्ट्रेस कम फील होगा। ठीक है, जिसका सोशल सपोर्ट सिस्टम इज वीक, उसको स्ट्रेस ज्यादा फील होगा। मान के चल सकते हैं? यस मैम। मान लीजिए कोपिंग स्ट्रेटेजीज की बात कर लीजिए, जिसका कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या होगा, टास्क ओरिएंटेड होगा, उसको स्ट्रेस कम फील होगा। ठीक है, सो स्ट्रेसर एंड स्ट्रेस के बीच जो थर्ड वेरिएबल है ना, सपोज कोपिंग, मान लीजिए कोपिंग के वजह से क्या हो रहा है, दिस रिलेशनशिप इज चेंजिंग। ठीक है, तो क्या होता है, इसका साइन, स्ट्रेंथ और साइज चेंज होता है जब, तो हम बोलते हैं मॉडरेशन। सो स्ट्रेसर एंड स्ट्रेस के बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट इज मॉडरेटिंग बाय moderated by coping strategies। इसका डायग्राम ऐसे बनता है, सपोज दिस इज स्ट्रेसर एंड दिस इज स्ट्रेस, थर्ड वेरिएबल इज कोपिंग स्ट्रेटेजीज। अनोवा में भी हम यही करते हैं, अंडरलाइन में सेम ही चीज है कि आपने इफेक्ट देखा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, बट देयर इज अ थर्ड वेरिएबल विच इज इंटरेक्टिंग विद आईवी। इंटरेक्शन में क्यों बोला, देखो पहले हम स्टडी करेंगे एक्स का इफेक्ट ऑन वाई। सी सब अनोवा की तरह समझो, दिस इज आर आई वी वन, दिस इज आर आई वी टू। अनोवा में क्या करते हैं, पहले आई वी वन का इफेक्ट देखा, फिर आई वी टू का इफेक्ट देखा, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन देखा, ये करते हैं। सेम हम यहाँ पे करेंगे, आई वी का इफेक्ट ऑन डी वी, आई वी टू का इफेक्ट ऑन डी वी, एंड देन दोनों का इंटरेक्शन ऑन डी वी। सो अगर इंटरेक्शन इज सिग्निफिकेंट, दैट मींस द रिलेशनशिप इज मॉडरेटेड बाय आर मॉडरेटर। सिंपली अगर हम बोलें तो इंटरेक्शन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल इज कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ अदर वेरिएबल्स। लेवल ऑफ अदर वेरिएबल कैसे, सपोज स्ट्रेसर का इफेक्ट स्ट्रेस पे कैसे होगा, दैट विल डिपेंड ऑन कि कोपिंग कितना स्ट्रांग है आपका।
आपका कितना अडेप्टिव कोपिंग है, दैट विल डिटरमाइन कि स्ट्रेसर का इफेक्ट स्ट्रेस पे कैसे रहने वाला है. आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेस बफर हाइपोथेसिस, सेम एंड आप एग्जाम्पल दिए. सो हो क्या रहा है कि जो स्ट्रेसर है उसका इफेक्ट बफर हो रहा है. आपने साइकोपैथोलॉजी में पढ़ा होगा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. प्रोटेक्टिव फैक्टर जानते हैं? What are the protective factors? एक तरीके से क्या करते थे, क्रिएट अ बफर. ठीक है, सोशल सपोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर. योर इंटेलिजेंस आईक्यू इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर. जैसे स्ट्रेसर एंड स्ट्रेस, जिसका आईक्यू स्ट्रांग होगा, हाई होगा, वो उसको स्ट्रेस कम फील होगा. ठीक है, योर इमोशनल इंटेलिजेंस इज प्रोटेक्टिव फैक्टर. तो ये सब क्या करेंगे, रिलेशनशिप को मॉडरेट करेंगे. किसी को कोई डाउट? नो मैम. अगेन एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. द फर्स्ट इज आर्टिफिशियली डिस्क्रीट वेरिएबल्स. कौन सा वेरिएबल है विच इज आर्टिफिशियली डिस्क्रीट? चलो नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट देखते हैं. कॉन्टिन्यूअस बिहेवियरल वेरिएबल विच इज कॉन्टिन्यूअस प्लस बिहेवियरल. रिएक्शन टाइम, कौन सा रिएक्शन टाइम? हाँ, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड बिहेवियरल. डमी वेरिएबल कौन से होते हैं विच कैन टेक टू वैल्यू, आइदर जीरो और वन. हाइपोथेसिस. अभी हमने देखा रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस. सो रिसर्च प्रॉब्लम ना आपको पॉइंट देते जहां से आप शुरुआत करेंगे. ठीक है, बट अगेन इस पॉइंट से आप कितना दूर जाओगे, लाइक आप कहीं ना कहीं तो लिमिट करना पड़ेगा खुद को. ठीक है, जो आप जहां पे जाके आप लिमिट करते हो, दैट इज थ्रू हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, रिज्यूम सॉल्यूशन टू योर रिसर्च प्रॉब्लम. तो जैसे हमने देखा था कि प्रॉब्लम में, रिसर्च प्रॉब्लम में हम क्या जानना चाह रहे थे कि हाउ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड. तो हाइपोथेसिस कैसे करता है, कंजेक्चरल स्टेटमेंट होता है अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. तो जो भी हमने देखा था ना, प्रॉब्लम स्पेसिफिक होना चाहिए. अगेन हाइपोथेसिस क्या करेगा, उसी रिसर्च प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देगा आपको, विच इज टेंटेटिव. हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस स्टडीज, जो थियोरीज हमारे पास अवेलेबल है उनके थ्रू बनाते हैं, रिसर्च गैप को देख के बनाते हैं. सो हाइपोथेसिस कैन बी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या होती है, नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, नो इफेक्ट या नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप, दोनों चीज हो सकती है. जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे इसका, एग्जाम्पल लेके चलते हैं. प्रॉब्लम इज योगा प्रैक्टिस अफेक्ट, डज योगा प्रैक्टिस अफेक्ट अटेंशन स्पैन, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज रिसर्च प्रॉब्लम. अच्छा, इसमें IVDB फाइंड आउट कीजिए प्लीज. व्हाट इज आर आईवी प्रैक्टिस ऑफ योगा है एंड अटेंशन स्पैन डीवी. इसी को थोड़ा सा और देखते हैं. सपोज योगा प्रैक्टिस आपने बोला, तो योगा प्रैक्टिस कौन से वेरिएबल है, इज इट मीट्रिक, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, कौन से वेरिएबल है? मैम कॉन्टिन्यूस होगी. कैसे मैम अगर हम आवर्स के हिसाब से कर रहे हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो. ठीक है, राइट. आपको एक बात और समझनी है, हम क्या कर सकते हैं ना, एक स्केल, जो सपोज कॉन्टिन्यूस स्केल से हम उससे नीचे आ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते. सपोज कैटेगोरिकल के ऊपर नहीं जा सकते.
कॉन्टिन्यूस स्केल को हम ब्रेक कर सकते हैं कैटेगोरिकल में. सो कैन आई ब्रेक योगा प्रैक्टिस इनटू अ कैटेगोरिकल स्केल? यस मैम. कैसे? मैम अगर जैसे हमने आर्ट्स के हिसाब से ही कर, नहीं आर्ट्स नहीं, मतलब हम लो मीडियम हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्ट्स के हिसाब से करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि लो में कितना आएगा और हाई में कितना आएगा मीडियम. ठीक है, और क्या कर सकते हैं मैम? जैसे बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल होगा. ठीक है, तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, या हम ऐसा भी सिंपली कर सकते हैं कि दोज हु प्रैक्टिस योगा एंड दोज हु डोंट, ये भी कर सकते हैं. यस यस मैम. हमारा रिसर्च प्रॉब्लम इज एंड अटेंशन स्पैन कौन सा वेरिएबल है? अटेंशन स्पैन इज अ अटेंशन स्पैन. ठीक है, हमने कहा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अटेंशन, राइट? देन देयर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अच्छा, मैं ना आपको एग्जांपल लेके चलते हूँ उसको. जैसे मान लीजिए, चलो उसको नेक्स्ट करेंगे. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट इज देयर. अभी इसमें हमने क्या बोला कि योगा प्रैक्टिस करो चाहे ना करो, देर इक्वल. अभी हमने ये बोला ना, जो योगा करता है चाहे नहीं करता, उसका टेंशन स्पैन इज इक्वल, योगा से कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट होने वाला. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है कि दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट इक्वल. हमने सिर्फ इतना बताया कि दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, अल्टरनेटिव के भी दो टाइप हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल में क्या है कि व्हेन द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड. हमने सिर्फ इतना बताया कि योगा प्रैक्टिस का इफेक्ट है अटेंशन स्पैन पर, हमने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कैसे बनेगी कि योगा प्रैक्टिस डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन अटेंशन स्पैन. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन, इज इट पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट. तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कैसे बनेगी, योगा प्रैक्टिस विल हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन अटेंशन स्पैन. हाइपोथेसिस के टाइप समझ में आ गए सभी को? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है, अभी अभी जो आपका यूनिट वन, यूनिट टू का जो इनिशियल पार्ट था थियरी वाला, उसको मैं स्किप कर रही हूँ, आपको प्रैक्टिकल वाले पे लेके चलते हैं. सपोज हमने हाइपोथेसिस बना लिया, बट हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं, चलेगा इतना? सो अभी आपने समझा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है, नॉल क्या होती है, अल्टरनेटिव क्या होती है. जब आप ये रिसर्च प्रॉब्लम बना लेंगे, हाइपोथेसिस बना लेंगे, डेटा कलेक्शन कर लेंगे, देन यू विल हैव टू एनालाइज द डेटा. So that we'll do through statistics, right? So statistics yes, kya hai? This is a method for obtaining and analyzing data. Okay. Hum kya kar sakte? Teen iske uses hote hain. Design karna, our study. Statistical parameters ke according humne apna study design kar liya. Dusra is description. Suppose maine data collect kiya on 2000 people, suppose. Sample population basic to sabhi jante hain. आप लोग जानते हैं व्हाट इज अ सैंपल और पॉपुलेशन? यस मैम. अभी बहुत सिंपल समझ लीजिए, पॉपुलेशन क्या है,
सारे लोग विच आर पार्ट ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे को डॉक्टर्स पे स्टडी करनी है, द पॉपुलेशन शुड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. डॉक्टर्स तो उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या होगा, डॉक्टर्स ही बहुत सारे तरीके के होते हैं, मुझे कौन से डॉक्टर्स लेने हैं, तो दिस इज आर पॉपुलेशन. बट अगेन सब पे स्टडी करना इज नॉट फीजिबल, सो वी ड्रॉ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम सैंपल बोलते हैं. ठीक है, तो सेकेंड इज डिस्क्राइबिंग द डेटा. फॉर एग्जाम्पल 2000 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया एंड देन आई हैव अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा. ठीक है, मेरे पास सारे सबके स्कोर्स लिखे हो तो उससे मैं कोई मीनिंग ड्रॉ नहीं कर पाऊँ. सो व्हाट वी डू, हम इसको क्या करते हैं, 2000 के डेटा को वी डू डिस्क्राइब इट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में इसको ले आते हैं. थर्ड इज इन्फरेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है. जैसे मान लीजिए दिस इज माई पॉपुलेशन एंड दिस इज माई सैंपल. एज पर माई कन्वीनियंस जो मेरा सैंपल साइज रहेगा मैं स्टडी सैंपल पे करूंगी. सो वट एवर विल बी द फाइंडिंग्स, वो किसके लिए, सैंपल के लिए कि पॉपुलेशन के लिए. जो मैंने स्टडी करी ऑन दिस पर्टिकुलर सैंपल, इसके फाइंडिंग्स किस पे एप्लीकेबल होंगी, दिस पर्टिकुलर सैंपल और पूरा पॉपुलेशन. हम इवेंचुअली तो गोल यही होता है ना कि पॉपुलेशन के ऊपर उसको जनरलाइज किया जाए, तो फीजिबिलिटी की वजह से सैंपल के ऊपर कंडक्ट हो जाता है, बट इवेंचुअल गोल इज टू जनरलाइज इट ऑन टू द एंटायर पॉपुलेशन. राइट, सो स्टडी तो आई विल कंडक्ट ऑन सैंपल, बट फाइनली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं पॉपुलेशन के बारे में जानूं. सैंपल को जानना इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू नो अबाउट द पॉपुलेशन. सो जो भी मेरा रिसर्च फाइंडिंग रहेगा उसके थ्रू आई विल ड्रॉ कंक्लूजंस, आई विल ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन. ठीक है, तो दिस इज अगेन पॉसिबल थ्रू स्टेटिस्टिक्स. तो इसी बेसिस पे टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक्स बताए गए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एक इन्फरेंशियल. डिस्क्रिप्टिव में हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना और समराइज करना डेटा. जैसे 2000 का डेटा तो देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा, बट व्हेन आई समराइज इट ना तो मेरे को एक बहुत शॉर्ट में उसका एक जिस्ट पता चल जाएगा कि डेटा का इन क्या है, मतलब उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, उसमें स्कैटर्डनेस कितना है. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स. एंड द नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, कि मेरे को सैंपल पे स्टडी करके आई हैव टू ड्रॉ इन्फरेंसेस अबाउट पॉपुलेशन, ताकि मैं क्या कर सकूं, प्रिडिक्शन कर सकूं अबाउट पॉपुलेशन. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यस मैम. एक और क्लासिफिकेशन था, पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स. पैरामेट्रिक हम कब बोलते हैं, जब इट इज कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नॉन पैरामेट्रिक इज जब डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं, व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर सुनाए. यस मैम. क्या होता है मैम, बेसिकली बेल शेप्ड कर्व में की तरह, मतलब हम उसको शो करते हैं, और उसमें ये होता है कि जैसे जैसे आप मीन के पास आते जा रहे हो या एवरेज के पास आते जा रहे हो, आपका नंबर ऑफ मतलब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आप एक्सट्रीम्स पे जाते हो आपका पॉपुलेशन कम होता जाता है. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, वो तो आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताते, लेकिन एनपीसी बताता क्या है हमको, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस ब्रीफ में समझिए. देखिए, जो भी ट्रेट्स एट्रीब्यूट्स नेचर ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं दैट आर इन फॉर्म ऑफ बेल शेप, मींस मेजॉरिटी ऑफ अस फॉल हियर. अब वो कोई भी ट्रेट हो, बी इट IQ, बी इट हाइट, ठीक है, बी इट वेट, कोई भी एट्रीब्यूट है जो नेचर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज इन फॉर्म ऑफ बेल शेप. मतलब एंड दिस जो बीच का एरिया ना, जो एवरेज वाला एरिया है, दिस इज 68% केसेस.
आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है या जिनकी हाइट बहुत कम होती है, देखा है? यस मैम, सेम यस विद मैम, आईक्यू, ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है या जिनका आईक्यू बहुत कम है. सो मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पे फॉल करेंगे. तो दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी समझे? वो जो आपने बताया कि मीन्स वाला, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. यस मैम. And again, जितना इसके दूर जाएंगे वो क्या करेगा, दिस नेवर टच टचेस एक्सिस. तो हमने देखा पॉपुलेशन एंड सैंपल. तो जो हमको न्यूमेरिकल समरी मिलती है थ्रू पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. एंड जो हमको न्यूमेरिकल समरी मिलती है सैंपल से, दैट इज स्टेटिस्टिक. सो जैसे हमने मीन मीडियन मोड देखना है, तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन का है तो उसको हम पैरामीटर बोलेंगे, एंड अगर सैंपल का तो इट इज स्टेटिस्टिक. मीन क्या होता है? व्हाट इज मीन? एवरेज परफॉर्मेंस. एवरेज मैम. ठीक है. मीन क्या करता है? सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सबसे पहले जो भी हम ये समझ सके सेंट्रल टेंडेंसी तो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो डेटा का सेंट्रल पॉइंट है ना उसको टारगेट करता है. ऑल थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. तो जो डेटा का सेंटर है उस पर फोकस करता है, जहां पर क्या मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट क्लस्टर करते हैं, वो आपको पता चलता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू. सो वन ऑफ द मेजर इज मीन. मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सपोज एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 10 पॉइंट है. आप क्या करोगे, इसका सम करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज 10, सो डिवाइड बाय 10. आंसर इज 76.7. तो मीन ऑफ द डेटा सेट इज 76.7. अब देखिए, अगर मेरे पास 10 स्कोर रहेंगे ना तो मैं कुछ इससे मीनिंग ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, बट वंस आई गेट टू नो कि मीन इज 76.7, मुझे कुछ तो इससे इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना, प्लस थ्रू दिस आई हैव समराइज माय डेटा. ठीक है, अब मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं. मीन इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. नॉर्मल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल का मीन नहीं निकालेंगे. ठीक है, सपोज हमने देखा ये पूरे 10 ऑब्जर्वेशन, सपोज मान लीजिए हमने इनका जेंडर भी पता कर लिया, 5 मेल है 5 फीमेल है, तो क्या हमको, क्या हमको उसका मीन निकालना चाहिए? जेंडर का मीन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा. नॉमिनल वेरिएबल के लिए वी डोंट यूज मीन. मीन इज फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, मीन्स कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए. नेक्स्ट, मीन इज हाईली सेंसिटिव टू आउटलायर्स. आउटलायर्स क्या होते हैं? जो हमारा डेटा सेट है, सपोज हमारे डेटा क्या है, यहाँ 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 पे, एंड देन वन डेटा पॉइंट इज हियर. इन एनी एक्सट्रीम पॉइंट इन आवर डेटा सेट इज आउटलायर. अभी मान लीजिए यहाँ पे 81 की जगह मैं 811 कर दूँ, ठीक है, पूरे डेटा का ही मीन चेंज हो जाएगा. ठीक है, और वो क्या होगा, हमको ट्रू पिक्चर नहीं देगा. जैसे अभी 76.7 है, सो आप देख रहे हैं सारे जो ऑब्जर्वेशन है दे आर नियर टू 76, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, बट 811 कर देंगे तो जो मीन आएगा वो क्या करेगा, वो किसी के भी क्लोज टू नहीं होगा. सो मीन इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स. स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे जब डेटा हमारा स्क्यूड होता है. अभी हमने देखा कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट डेटा क्या होता है, डेटा स्क्यूड हो सकता है. तो जब स्क्यूड होगा तो मीन क्या करेगा, जिस तरफ टेल जा रही है उसकी तरफ मीन जाएगा. सपोज इधर स्क्यूड है तो मीन इधर आ गया, ठीक है, या इधर स्क्यूड है तो मीन पहले आ गया. इक्वल वेट, इस वाले पॉइंट को जब हम डेविएशन में देखेंगे कैसे करते हैं.
अभी हमने देखा था कि मीन इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स, और मान लीजिए हमारे डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वील गो विद मीडियन। मीडियन क्या बताता है, मीडियन हमको पोजिशन बताता है, मिडल ऑफ द ऑर्डर सिंपल, कि जो डेटा सेट है उसका मिड में कौन सा पॉइंट है वो हमारा मीडियन है। जैसे जो अभी डेटा देखा था ना, सेम डेटा यहाँ पे इस वाले में ऑर्डर नहीं है, तो हमने इसको ऑर्डर में लगा दिया। सो मीन इज अ सेंट्रल पॉइंट, इसका क्या निकलेगा मीडियन? सेवेंटी एट क्या निकलेगा? पॉइंट फाइव हाँ, तो हमने क्या किया, क्योंकि दो वैल्यू आ रही हैं, बिकॉज इट इज इवन नंबर, तो हमने क्या करा, दोनों के बीच का पॉइंट ले लिया 78.5। सो मीन वाज 76.7 एंड मीडियन इज 78.5। सो व्हेन आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो मीन एंड मीडियन या तो सेम ही होते हैं, आइडियली दे शुड बी आइडेंटिकल, और वो क्या होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 85 को 855 कर दूं, तो कुछ चेंज आएगा मीडियन में? नो सो मीडियन इज नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स, इसको मिडल पॉइंट से मतलब है, आगे पीछे 6 से 6 को मैं 6 कर दूं, सो वो क्या करेगा, इसको कवर नहीं करेगा, वो सिर्फ सेंट्रल पॉइंट को कवर करेगा। एंड अगेन, क्योंकि हमने एक ऑर्डर में लगाया सारे ऑब्जर्वेशन को, तो ऑर्डिनल स्केल का जो डेटा रहेगा उसका हम मीडियन निकालते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मीन एंड मीडियन आर आइडेंटिकल एंड इट इज नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, मान लीजिए चार डेटा सेट आपके पास है, 1 2 3 4 5, तो इसका मीडियन इज 10। इधर कोई वैल्यू चेंज हो गई, 8 की जगह 0 आ गया, या फिर इधर 100 आ गया, 100 100 आ गया, तो भी मीडियन सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज मोड। मोड क्या है, विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। सपोज दिस इज आर डेटा सेट, तो जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी वो हमारा मोड होगा। तो जो हमारा कैटेगोरिकल डेटा था उसमें हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं मोड को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेल फीमेल का देखा, 10 ऑब्जर्वेशन है, मेल इज 0 फीमेल इज 1, तो ऐसे करके मैंने सबका पता कर लिया। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मोड निकाल के बता सकती हूँ कि मेल कितने फीमेल कितने हैं, राइट? तो मोड इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट, और उसके बाद जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं कि मोड ऑफ आर डेटा। अगेन, अगर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मीन मीडियन एंड मोड विल बी सेम। ठीक है, हमने तीन मेजर्स देखे हैं, हमको तीनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो एक ही डेटा के डिफरेंट एस्पेक्ट बता रहे हैं, मीन हमको एवरेज बता रहा है, मीडियन हमको पोजीशन बता रहा है, एंड देन मोड हमको बता रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। कोई डाउट किसी को? नहीं। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? आर यू विद मी? नो मैम, फास्ट हो रहा है? नो मैम, ठीक है, देखिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएबिलिटी क्या होता है। अभी हमने देखा कि डेटा क्लस्टर कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट इज के हम देखेंगे डेटा का स्कैटर्डनेस कितना है। जैसे जैसे हमारे सामने दो डेटा सेट है, ए एंड बी, दोनों का मीन इज 15। ठीक है, बट आप देख सकते हैं दोनों का शेप में कितना डिफरेंस है। सो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ क्लस्टर वाले पॉइंट को दिखाएंगे, जो स्कैटर्डनेस है वो उसको कवर नहीं करेंगे। तो डेटा में स्प्रेड कितना है, वेरिएबिलिटी कितनी है, स्कैटर्डनेस कितनी है, वो हम जानते हैं थ्रू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। सबसे सिंपल मेजर इज रेंज। रेंज में हम क्या करते हैं,
difference between the largest score minus smallest स्कोर हमारा रेंज हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका रेंज कितना होगा फर्स्ट वाले का, इसका रेंज कितना है लार्जेस्ट माइनस माइनस स्मॉलेस्ट, कितना 92. So can you see the difference? Median is same, but range is different. So range के through हमें क्या पता चल रहा है कि इस वाले का scatteredness कितना ज़्यादा है? Scatteredness first. Again एक और point यहीं पे समझो कि जो range है range is again sensitive to outliers. जैसे अगर एक outlier हटा दे तो range will be ठीक. जस्ट बिकॉज देर इज वन आउटलायर तो उसका रेंज 92 हो गया. कैन यू सी द डिफरेंस? दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो रेंज इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स. जैसे ये वाला एग्जांपल भी है इसमें कि ये दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, इनका मीन इज सेम, इनका रेंज इज ऑल्सो सेम. यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे खत्म. बट अगेन हमको क्या कर रहा है, एक्चुअल पिक्चर नहीं दे रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, इंटर क्वार्टर रेंज यूज कर सकते हैं. हमने पूरा डेटा सेट को क्या करना है, फोर पार्ट में तो क्वार्टर में डिवाइड कर लिया. तो फर्स्ट हाफ तो हमने देखा था कि दिस इज मी. हमने क्या किया, चार इसके तीन लाइन और खींच दो. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 25% केसेस यहाँ पे हैं, नेक्स्ट 25% यहाँ पे, नेक्स्ट 25% यहाँ पे. इंटर क्वार्टाइल में हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं Q1 या लोअर क्वार्टाइल, Q2 एंड Q3. तो हमने इस वाले रेंज को टारगेट करना है क्योंकि जो आउटलायर्स होंगे वो या तो इधर होंगे या इधर होंगे. ठीक है, इसमें आउटलायर्स नहीं रहेंगे. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज के जो मिडिल हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन है उसको टारगेट करेंगे. तो दिस इज नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स. समझ में आगे कैसे? इंटर क्वार्टर रेंज समझ में आया? यस मैम. हमने क्या करा, जो पूरा डेटा है ना उसका लोअर 25% एंड अपर 25% को कंसिडर ही नहीं किया, तो मिडिल का 50% था उसका रेंज देखा है. ठीक है, परसेंटाइल क्या होता है, व्हाट इज परसेंटाइल? एग्जाम में सुनते ना परसेंटाइल रैंक मिलता है. कोई बताएगा परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है? देखो परसेंटाइल को हम डिनोट करते हैं पी से, एंड जो भी परसेंटाइल रहेगा उसको लिख देते हैं. सपोज P70, किसी एग्जाम में आपका परसेंटाइल इज P70, 70% है आपका, दैट मींस 70% लोगों से आपने परफॉर्म बेटर किया, 70% लोग का परफॉर्मेंस आपसे नीचे है. ठीक है, तो हमने देखा था कि मीडियन क्या है, वो पॉइंट है जिसके 50% केसेस इधर है, 50% केसेस इधर है. सो मीडियन इज P50. ये समझ में आया कैसे? परसेंटाइल समझ में आया? यस मैम. बताओ क्या होता है, क्या होता है परसेंटाइल मैम? P50 मींस इसका मतलब है कि 50% केस इसके नीचे है और 50% इसके ऊपर. ठीक है,
P90 मतलब क्या होगा? 90% स्कोर उसके बिलो फॉल कर रहे हैं। अगर किसी एग्जाम में और परसेंटाइल इज P90, दैट मींस 90% लोगों से बेटर परफॉर्म किया है। राइट, तो 90% लोगों से आपने परफॉर्मेंस बेटर है आपका, डज नॉट मीन कि आपने 90% मार्क्स स्कोर किए। तो परसेंटाइल का क्या यूज है कि आपको ना रिलेटिव पोजीशन पता चल जाती है। सो जो Q1 इज P25, मीडियन इज P50 एंड Q3 इज P75। समझ में आया कैसे? P25 मीन्स 25% केसेस इसके नीचे है एंड देन 75% इसके ऊपर है। मीडियन P50 हमको हम समझ ही चुके हैं। Q3 इज P75, दैट मीन्स 75% केसेस के नीचे, 25% केसेस के ऊपर बचते हैं। अगेन एक अनदर मेजर ऑफ डेविएशन इज एवरेज डेविएशन। देखिए सपोज आपके पास ये डेटा है, आप क्या करते हैं इसका इसका मीन निकालते हैं। मीन विल बी 15 इसका, ठीक है। अब आप यही देखना चाह रहे हो कि डेटा में कितना स्प्रेड है, तो आपने क्या करना है, मीन से डेविएट कितना हो रहा है। तो दिस इज 13, हमारे मीन से कितना डेविएट हो रहा है, दिस पर्टिकुलर स्कोर -2, 14, -2, नेक्स्ट -1, इसका 0, +1, +2, सम विल बी, इसका सम क्या होगा, 0, 0। एवरी टाइम जब आप डेविएशन करोगे ना यहाँ पे या कहीं पे भी किसी टेस्ट में भी, तो डेविएशन का सम विल बी 0, जो लास्ट पॉइंट था मीन में कि इट इज वेटेड। मीन क्या करता है ना, सबको बैलेंस आउट करके आपको बता देगी 15 इज द एवरेज, जिनका ज्यादा है 15 से और जिनका कम है वो इक्वल है। तो अब जब डेविएशन निकालोगे तो सम विल बी 0। तो एवरेज डेविएशन में हम क्या करते हैं, हम साइन को कंसिडर नहीं करते, ठीक है, एंड वी यूज फॉर्मूला, तो हम एवरेज डेविएशन निकाल लेते हैं। तो जब हम साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो वी आर डूइंग एवरेज डेविएशन, एंड जब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो उसका साइन हट जाएगा, तो 2 × 2 = 4, ऐसे करके जब स्क्वायर करेंगे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला मेथड इज सेम फॉर एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम ही मेथड है। पहले हम डेविएशन देखेंगे, एवरेज डेविएशन में हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में हम उसको स्क्वायर कर देंगे ताकि साइन हट जाए, ठीक है। अगेन जब एवरेज डेविएशन करेंगे तो उसमें पूरा हम क्या करेंगे, पूरे सारे स्कोर का हम क्या करेंगे, डेविएशन देखेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन हम क्या करते हैं, हमने डेटा के 3 क्वार्टाइल बना लिए, 1, 2, 3, तो एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 एंड Q1 का हम डिफरेंस देखते हैं। हमने पूरे डेटा सेट करने देखना है, जो अपर 25% है, जो लोअर 25% है, जो अपर 25% है उसको हम स्किप कर देंगे। दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम देख रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, पर्टिकुलर डेटा सेट डेटा पॉइंट है, वो मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं। मान लीजिए दिस इज योर मीन, इस पर्टिकुलर डेटा का मीन इज 500, तो आपका जो वैल्यू है, आपका जो स्कोर है, वो 500 से कितना वेरी कर रहा है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, राइट। तो जितना जैसे इसमें कितना, रेंज में हम क्या करेंगे ना, सिर्फ वो जो Q3 एंड Q1 का जो पॉइंट है ना, सिर्फ इस स्कोर को मेजर करेंगे। Q3 का जो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट एंड लोवेस्ट माइनस करेंगे, सिर्फ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट, सिर्फ इतना करेंगे। बीच में जो भी होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन हम क्या करेंगे कि इसका हर स्कोर हम देखेंगे कितना डेविएट कर रहा है। हमने रेंज को इसलिए छोड़ा क्योंकि रेंज में क्या था ना, इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स,
इधर 25% है, इधर 25% में आउटलायर होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब उधर ही आउटलायर्स होंगे। तो जो डेटा सेट ये वाला है, हमने क्या करा, सिर्फ इसका लोएस्ट स्कोर देख लिया, इसका हाईएस्ट स्कोर देख लिया, सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है। सपोज यहाँ पे 25 और यहाँ पे 95, तो इसके बीच 95 माइनस 25 इज आवर इंटर क्वार्टाइल रेंज। सिंपल क्वार्टाइल में आप 25 से 95 के बीच के सारे स्कोर का देखोगे कितना डेविएशन है। हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात को स्टैंडर्ड क्यों बोला है, जो हमने देखा था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो वो क्या है, वो स्टैंडर्ड हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा है कि जब एम्पिरिकल क्या रूल है कि जो मीन एंड मीन से एक यूनिट आगे गए या मीन से एक यूनिट पीछे गए, हमने देखा 68% केसेस इसके बीच आते हैं, 34% कुछ केसेस इधर, 34% केसेस इधर, ठीक है। देन दिस इज टू यूनिट, तो ये जो यूनिट है ना, दिस वन यूनिट, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये, देखो दिस इज मीन, दिस इज प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड यहाँ पे उन्होंने टच कर दिया लेकिन टच नहीं होगा, दिस इज प्लस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस डेटा का मीन इज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 500 एंड 600 100, 100 ऐड करने भी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मिल रहा है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैंने बोला ना, सपोज आई टोल्ड यू कि मीन इज इक्वल टू 500 एंड एसडी इज 100, दैट मींस 500 प्लस माइनस 100, इसके बीच में कितने परसेंट केसेस आएंगे, 68% केसेस। ये पॉइंट समझ में आया कि मीन से वन स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे गए एंड वन स्टैंडर्ड डेविएशन आगे गए, ये 68% केसेस यहाँ पे लाए करेंगे। ये समझ में आया? Yes, ma'am. अगेन एक और टर्म, एक और हम नेचर यूज करते हैं वेरिएंस, सेम ही चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर हम एसडी को स्क्वायर कर देंगे ना, तो दैट इज वेरिएंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? कुछ भी पूछना है किसी को? ज्यादा हो रहा है क्या आज के लिए? नो मैम, दिस इज सिंबल ऑफ मैम, ठीक है, जब ज्यादा हो जाए तो बता देना। तो दिस इज सिंबल ऑफ मीन, तो हमने पीछे डायग्राम में यही देखा था। तो जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या होगा, बेसिकली दिस इज 68%, देन टू के बीच में 95% एंड थ्री के बीच में 99.7% केसेस आ जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, इसे में दिया हुआ है। 68.3% ऑफ वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन वन के बीच होगी। ये बहुत सिंपल लग रहा है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि जो मीन माइनस प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितने केसेस आएंगे, तो आंसर इज 95.4% केसेस। एंड इफ पॉसिबल इसको पॉइंट वाइज ही याद कर लेना, 68.3 जितना भी रहेगा। इसको एक और मेरे को बात बताओ, सपोज हमने देखा कि इधर 2.1% केसेस हैं, देन 13.1, देन तो दिस इज P50, राइट? सॉरी, दिस इज P50। यस मैम। सो P50 तक कितने परसेंट केसेस आ चुके हैं, 50% केसेस यहाँ पे आ चुके हैं, राइट?
क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकल ना, 50% केसेस इधर है 50% केसेस इधर है, ठीक है। यस मैम। अब आप मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चले गए तो यहाँ पे कौन सा परसेंटाइल आएगा? पी 50% केसेस यहाँ पे आ चुके हैं, देन 34 केसेस, 34% केसेस यहाँ पे भी आएंगे, तो पी क्या हो जाएगा? 50 + 34 84 84 P 84 P 84 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 P इस तरफ ऑन टुवर्ड्स राइट ना 98 होगा। हाँ तो 84 + 13 मान लीजिए 94 95 96 97 ऐसे करके आपको परसेंटाइल निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन आता है आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि आईक्यू स्कोर इज दिस तो उसका परसेंटाइल क्या होगा। देखे क्वेश्चंस, जब हम आईक्यू स्कोर की बात कर रहे हैं तो उसका क्या होता है? मीन इज 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15। तो किसी का स्कोर इज 100 मीन्स उसका स्कोर मीन पे, या पी 50 मान लीजिए क्योंकि 50% इधर है। अब किसी का स्कोर इज 115 मतलब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चला गया है, तो 100 + 15 115 यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका परसेंटाइल इज 84। देखा ना हमें अभी कैसे 50% केसेस इधर कवर कर चुके हैं प्लस 34% और, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि 34% केसेस इधर है, 13.6 इधर है, 2.4 इधर है, ये आप कैसे पता करोगे? मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा। अगेन हम देखा था 97 हमारा आया था, तो पॉइंट इंक्लूड करके 98% आया, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। क्लियर है सभी के लिए? जैसे मान लीजिए किसी का स्कोर 85 ऑन दिस पर्टिकुलर आईक्यू टेस्ट, ठीक है, तो 100 इज आर मीन, 85 उसका स्कोर है, मीन्स उसका स्कोर कहाँ पे आ रहा है? -1 SD पे जा रहा है। ये ना मैं आपको ये बताऊंगी एग्जैक्ट स्कोर कैसे निकालते हैं अभी। तो यहाँ तक कितने परसेंट केसेस कवर हो रहे हैं इस वाले पॉइंट तक? 16% केसेस कवर हो रहे हैं, तो उसका पी हो जाएगा 16। तो यही जो है ना पूरा, ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन एक बार दोबारा समझ लीजिए कि जो भी ट्रेड्स या जो भी एट्रीब्यूट नेचर ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, दे आर इन फॉर्म ऑफ दिस बेल शेप्ड कर्व। मेजॉरिटी ऑफ अस यहाँ पे लाइक करेंगे, देन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ पीपल कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देंगे आप किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट या ट्रेड का, आईक्यू, ठीक है, और एनी ऑब्जर्वेशन लाइक इसके एनपीसी के बारे में कोई भी ऑब्जर्वेशन आपका, क्या ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग एनपीसी दिस डिस्ट्रीब्यूशन? सोचना इसको कि ऐसे कौन सी चीजें जो ऐसे फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। Alright, so what are the characteristics of NPC? Boring तो नहीं लग रहा है? No ma'am. ठीक है, so NPC is bilaterally symmetrical. आप देखोगे ना कि जो उसका right part है and left part है, they are mirror image to each other. They look equally same. Then mean, median, mode तीनों एक ही point पे लाए करेंगे. Uni model बोलते हैं इसको. कि एक ही मोड होगा, देख रहे हो ना यहीं पे जाके ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज का यही पॉइंट है, ठीक है, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। बट नॉट एवरी टाइम इसका शेप ऐसे रहेगा, तो क्या क्या हम इशू देख सकते हैं? स्क्यूड हो सकता है हमारा कर्व, या हमारे कर्व में कोर्टोसिस हो सकता है। जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, लाइक जब वो बेल शेप्ड वाला कर्व है, तो स्क्यूनेस की वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, दैट मींस पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड,
मतलब अगर आपका जो भी वैल्यू आ रहा है उसके आगे साइन नेगेटिव है दैट मींस नेगेटिव स्क्यूड है, साइन पॉजिटिव है दैट मींस पॉजिटिवली स्क्यूड। स्क्यूड मतलब क्या होता है कि उस एंड पे डेटा क्लस्टर नहीं है। इजी टू रिमेम्बर आपको तरीका बता रही हूँ। सपोज पॉजिटिवली स्क्यूड है मींस पॉजिटिव एंड पे केसेस कम है, पॉजिटिव नेगेटिव जान गए हम लोग कि जो राइट हैंड साइड वाला है वो पॉजिटिव साइड है एमपीसी का एंड लेफ्ट हैंड इज नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव स्क्यूड कब बोलेंगे जब राइट साइड पे केसेस कम है, मतलब ज्यादा केसेस ऑन लेफ्ट साइड है, जैसे कि इनकम मान लेते हैं। ठीक है, हाँ अभी हमने देखा ना कि डिस्ट्रीब्यूट जो वेरिएबल्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्मल फॉर्मेट, बट जब हम इनकम की बात करें तो ऐसा नहीं है। वेरी फ्यू पीपल आर सुपर रिच, मेजोरिटी लोग, मेजोरिटी कहाँ पे है वो लोअर एंड पे, सुपर रिच वाले लोग बहुत कम है। तो दिस इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्लस्टर्ड है डेटा, राइट पे स्क्यूड है। देन नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा कि लेफ्ट पे डेटा नहीं है स्क्यूड है और पॉजिटिव एंड पे डेटा ज्यादा क्लस्टर्ड है। सपोज आपके एग्जामिनेशन मार्क्स कहते हैं आपको, तो बहुत कम मार्क्स वाले लोग कम होंगे कंपेरेटिवली, एंड जो ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा क्या होगा राइट एंड पे क्लस्टर होगा। तो दिस इज स्क्यूनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब कर्व इज नॉर्मल तो स्क्यूनेस की वैल्यू इज जीरो, प्लीज ये याद रखिए। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यूड है। क्लोज टू वन अगर वैल्यू है तो देट इज नॉट अ मेजर इश्यू, अगर आपका स्क्यूनेस का वैल्यू वन के क्लोज है देट इज नॉट अ कंसर्न। देन कोटोसिस में क्या होता है ना, पीर्डनेस ऑफ योर डेटा कर्व। अगेन इसमें ना एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब नॉर्मल कर्व है तो ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू जीरो नहीं, जीरो नहीं है, उसका कुछ वैल्यू होता है 0.273 ऐसा करके कुछ वैल्यू होता है। तो एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब नॉर्मल कर्व है तो स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस दोनों का वैल्यू जीरो है, नहीं स्क्यूनेस का वैल्यू जीरो है लेकिन कुर्टोसिस से कुछ वैल्यू रहेगा, लाइक जो उसका पीक टू नेसेंस से कुछ वैल्यू रहेगा। अगर वो आगे चला गया उसे तो हम बोलेंगे उसको लेप्टोकोटिक, उसके नीचे आगे तो बोलेंगे प्लेटिकोटिक। प्लेटू जानते हैं ना फ्लैट लैंड होता है, तो जब फ्लैट लैंड है तो प्लेटिकोटिक बोल दिया, एंड जब उसका वैल्यू ज्यादा होगा तो लेप्टोकोटिक हो गया, एंड जो नॉर्मल कर्व है दैट इज मेसोकोटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन बॉस की स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस दोनों जीरो होता है। हम ये बोल सकते हैं कि जब नॉर्मल कर्व है तो स्क्यूनेस इज जीरो एंड एक्सेस कुर्टोसिस इज जीरो, मतलब एक्सेस कुर्टोसिस नहीं है जितना उसका वैल्यू उतना ही है। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कर्व है तो कुर्टोसिस इज इक्वल टू जीरो, नहीं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को? मैम आई वॉन्ट टू से समथिंग, पता नहीं मुझे क्यों लाइक मैंने पहले भी पढ़ा है दिस रिसर्च एंड ऑल दिस, बट मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कहाँ पे समझ नहीं आ रहा बताओ? मैम बहुत सारी जगह समझ नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत स्ट्रेस डाल रही हूँ समझने की, कुछ कुछ जगह समझता है मैम, कुछ कुछ जगह नहीं समझता है। अभी आज का बताओ, हाँ जी आज का बताओ, आज कहाँ पे दिक्कत आ रही है? हाँ जी एज अ स्टोरी, ठीक है ना, ओके जस्ट विजुअलाइज इट, ऐसा करके ना कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत नहीं है, स्टोरी समझो कि ऐसा कुछ है। एंड ऐसा मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स बताया नहीं है, मैं स्टोरी की तरह बता रही हूँ, आप भी स्टोरी की तरह समझो, फिर भी कहाँ समझ नहीं आ रहा, कहाँ समझ नहीं आ रहा फिर भी? ये तो समझा मैम, ये यहाँ पे समझा। इसके पहले आपने एक बताया था कि कुछ क्वेश्चन आते हैं करके, कोई नहीं उसको दोबारा कर लेंगे क्वेश्चन वाला उसको, ठीक है। और हाँ इसके अलावा सी आई एम हियर टू मेक इट इजी फॉर यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यस मैम, यस मैम। हाँ और मुझे तो जहां भी डाउट आ रहे ना साथ ही में पूछ लो। यस मैम, ठीक है, ओके मैम, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग ना आज एंड प्रोबेबली कल भी थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, सो लेटर ऑन ना फिर इसी के समझना है,
देयर द बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे अभी जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आई विल जस्ट से कि द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि उसका मतलब ऐसा कर्व बनेगा, देन 68% केसेस मिडल में आएंगे. सो अभी मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ, सो दैट जब भी नेक्स्ट हम करेंगे या जब हमको टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे तो इट्स क्लियर टू यू. ओके मैम, ओके पूछो तभी भी आई विल एक्सप्लेन, एंड डाउट्स आफ्टर इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कॉम्प्लेक्स. ओके मैम, फाइन मैम. ऑलराइट, सी नॉर्मेलिटी ना इट साउंड सो गुड बट नॉट एवरी टाइम आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हमने देखा कि कैसे इनकम, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जैसे इनकम है तो इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बहुत लोग हैं जिनका इनकम बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोगों का इनकम कम होगा. जस्ट टेक इट एज अ स्टोरी. कोई और एग्जाम्पल सोचो स्क्यूडनेस का. क्वेश्चन, स्क्यूनेस जैसे बताया है यहाँ पे, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एकदम बेल शेप में ही होगा हर बार. ये तो हाँ, और स्क्यूनेस हो सकती है और स्क्यूनेस के बेस पे ही हमको मीडियन और ये स्ट्रक्चर समझना है. राइट मैम, राइट, ठीक है मैम, ओके. सी आई वुड सजेस्ट यू, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना तो डे टू डे लाइफ का कुछ एग्जांपल अगर आप समझ सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनकम का, ठीक, कोई और एग्जांपल हो सकते हो कि जिसमें दिस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी जैसे मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए कि IQ, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बहुत कम लोग बहुत हाई IQ है, बहुत कम है जो कम IQ है, बट मेजोरिटी क्या है बीच में फॉल करें. बट नॉट एवरी वेरिएबल या नॉट एवरी एट्रीब्यूट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे वन एग्जाम्पल हियर इज इनकम. ओके, अब और समझो एक्सेस टू रिसोर्सेज. एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज अगेन नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. बहुत कम लोगों के पास मतलब ऐसे करके कुछ बनेगा. मेजोरिटी के पास क्या कम रिसोर्सेज है, बहुत कम लोग है जिनके पास क्या एक्सेस रिसोर्सेज है. तो ऐसे करके ट्राई टू फिगर आउट एग्जांपल्स फॉर योरसेल्फ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं. जैसे आप देख रहे हो ना अभी जब जैसे बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर्स आते हैं तो क्या होता है बहुत सारे लोगों के 90s में स्कोर है. ऐसा नहीं है ना कि कुछ लोगों के 90s में है, देन मेजोरिटी के 60-80 है, देन कुछ के 50 के बीच में. अभी क्या रहे ना स्क्यूड ही ज्यादा रहे, बहुत कम लोगों के बहुत कम स्कोर है, अदरवाइज सबके 90s में स्कोर है, तो ये स्क्यूड हो जाएगा. बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डिफरेंट. इस वाले में क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सब जगह स्प्रेड है. इस वाले एंड पे भी है, इस पे भी, इस पे भी. इस वाले केस में क्या दिस इज नॉर्मल. इसमें क्या मेजर 68% से ज्यादा केसेस दिस एचडी वाले लाइन में फॉल करेंगे. दिस इज पीक, मोस्ट 68 तो होता ही नॉर्मल, उससे ज्यादा केसेस बीच में फॉल करेंगे. एग्जाम स्पेसिफिक क्या चीज है कि स्क्यूनेस का वैल्यू जीरो होता है इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एंड कुर्टोसिस का जीरो नहीं होता है. एक्सेस कुर्टोसिस इज जीरो इन NPC, बट कुर्टोसिस का वैल्यू जीरो नहीं होगा. उसका वैल्यू तो 0.273. ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन. आपने कहा 68 नॉर्मल रहेगा, वो किस हिसाब से रहेगा मैम? एम्पिरिकल, एम्पिरिकल रूल है. जैसे मैं आपको इसको मैं और एग्जांपल करके आपको समझाती हूँ. जी जी, जैसे आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, आपने तो कोई भी टेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेस्ट में बोल रहे हैं, आपने कोई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट दिया, बहुत नॉर्मल टेस्ट दिया, तो क्या होगा कि ये जो 68% जो लोग है ना, दिस इज लाइक नेचुरल रूल, एक तरीके से आसान से एम्पिरिकल रूल है, हर जगह मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है कि 68% केसेस यहाँ पे आते हैं, एवरेज स्कोर जिनका रहेगा. आप देख लो आस पास से कोई भी क्लास में है या कोई भी IQ स्कोर मान लो ना, तो मेजोरिटी ऑफ अस लाइक ऑलमोस्ट 70% या 2/3 ऑफ अस हम एवरेज IQ के हैं. बहुत कम
जो है वो आगे बढ़ेंगे, लाइक बहुत कम का आईक्यू यहाँ पे आएगा, फिर उससे भी कम का आगे जाएगा, लाइक 120 140 प्लस कितने लोगों को होगा? सिर्फ 2-3% लोगों का, अगेन 70 से कम कितने लोगों को होगा? सिर्फ 2-3% का. तो ये जो है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, प्रोबेबिलिटी थियरी जो है ना ये डेवलप की गई है. कई बार जब क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रोबेबिलिटी निकाली गई, तब समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ये आएगी. सो दे आर लाइक फिक्स्ड थियरी के थ्रू डेवलप किया गया. मैं 1 सेकेंड, ये जो डॉटेड वाला एरिया है, जो शेडेड पोर्शन है मिडिल में, बोथ द साइड, दोनों भी साइड जो आपने रेड लाइन ड्रॉ की है उसके दोनों साइड, तो दिस टोटल इज 68, राइट? दिस इज 34% एंड अगेन दिस इज 34%. ठीक है मैडम. इन शॉर्ट इसके ना इधर 50% केसेस होंगे, इधर 50% केसेस होंगे. ठीक है मैम. सॉरी 50%. हाँ, ये पूरा 50% लिया ना आपने, मतलब यहाँ से पूरा. हाँ हाँ ठीक है. हाँ ओके. और इट इज एम्पिरिकल, ये एकदम बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि 68 इज द सेंटर, राइट? ओके ओके फाइन. इसको वैसे बोलते हैं कि मीन प्लस माइनस 1 SD के बीच में 68% केसेस आएंगे. Then mean minus plus minus 2 SD के बीच में 95% cases आएंगे. This is here. And then mean plus minus 3 SD के बीच में 99% cases आएंगे. तो इसको आप याद भी कर सकते हो. This is also a potential question. Okay, ma'am, इसको आप ये graph में या ये diagram में place करके बता सकते हैं? मतलब? मतलब ये जैसे आपने कहा ना m plus minus 1 SD equals to 68, ये तो समझ गया, ये सेंटर वाला है. दिस इज माइनस 1 SD, दिस इज माइनस 2 SD, माइनस 3 SD. सो दिस वाला पोर्शन ना, दिस इज 68% केसेस, राइट मैम? देन दिस वाला पोर्शन 95% केसेस, एंड देन दिस ऑल इज 99% केसेस. ओके, 99.7. अच्छा, यहाँ जीरो लिखा है मैम, 0.997. इन्होंने प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, इन्होंने प्रोपोर्शन में दिया हुआ है. हम इसको परसेंट में, आपको परसेंटेज के टर्म्स में था. एक और चीज समझे, प्रोपोर्शन में परसेंटेज क्या होगा? प्रोपोर्शन इज द वैल्यू ऑफ 1 के बीच में दिया हुआ है. ठीक है, तो वो 1 के हिसाब से बोल रहे 68. 1 मींस 100% है ना. अच्छा, उसको परसेंटेज में बोलेंगे तो उसको इनटू कर देंगे 100 से, तो 68% हो जाएगा ये. ओके ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में बोलना है तो वैसा बोलेंगे, विदाउट डेसिमल बोलेंगे. और अगर डेसिमल के साथ आता है मैम वो, तो डेसिमल के साथ नहीं आता है, परसेंटेज के साथ ही आता है. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, प्रोपोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, दैट मींस 100. ठीक है मैडम. ओके देखो, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं? सो देर आर डिफरेंट मैथड्स. सबसे पहले तो हमने वही स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस देख लेना है. अगर स्क्यूनेस 1 से ज्यादा जा रहा है, दैट मीन्स नॉर्मलिटी से आगे हो रहा है, या कर्टोसिस देख लेना है. अगर वो नहीं मीट कर रहा है, दैट मीन्स नॉर्मलिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. देन देर इज अ क्यूक्यू प्लॉट. क्यूक्यू प्लॉट कैसे बनता है? एक तरीके से वो क्या करता है, वो बोलता है कि अगर आपका डेटा नॉर्मल होगा ना तो ऐसे लाइन में आएगा, फिर वो इस पर प्रोजेक्ट करता है आपके डेटा को. तो डेटा को हम प्रोजेक्ट किया जाता है. सो इफ इट इज क्लोजर टू दिस लाइन, दैट मीन्स इसको हम क्यूक्यू प्लॉट बोलते हैं. इफ इस लाइक इसी से मीट करता हुआ है तो हम बोलेंगे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट अगर इसे अवे जा रहा है कुछ, तो हम बोलेंगे नॉर्मलिटी नहीं है. ठीक है, देन द बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट पढ़ा है आपने? देखो, दिस इज अ बॉक्स प्लॉट. बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझ रहे हैं इसको कैसे. देखो, दिस इज आवर बॉक्स. ठीक है, ये पूरा बॉक्स है एंड दे आर द विस्कर्स. इट कन्वेज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. जो ये बॉक्स प्लॉट है ना,
ये हमको ये जो बॉक्स है दिस इज मिडल 50%। मिडल 50% क्या हो गया? क्वार्टर के टर्म्स में मिडल 50% क्या होगा? कौन बताएगा? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिडल 50% केसेस, तो कौन कौन से क्वार्टाइल को मैं बोल रही हूँ? P50 हो जाएगा नहीं, P50 में आप बताऊंगी अभी, पहले क्वार्टाइल कौन सा आएगा इसमें? देखो Q2 लोअर, हाँ क्यू2 नो Q1 एंड Q3। देखो तीन क्वार्टाइल बनेंगे ना हमारे पास, पूरा डेटा उसके तीन क्वार्टाइल बनेंगे। Q2 तो मिडल पॉइंट हो गया, Q1 एंड Q3। तो ये जो बीच का 50% केसेस इज दिस बॉक्स, राइट? अच्छा ओके हाँ दिस बी, ये जो लाइन खींचेगी बॉक्स के बीच में, दिस इज Q2 और दिस इज P50 और दिस इज मीडियम, राइट? एंड जो इसके ये जो लास्ट में विस्कर्स है ना, दिस इज स्मॉल, स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या है हमारा एंड दिस इज लार्जेस्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो सारा हमको एक बॉक्स प्लॉट से पता चलता है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, बॉक्स क्या बता रहा है हमको? मिडिल 50% केसेस इज बॉक्स, ठीक है? Q1 एंड Q3 इज बॉक्स, जो बीच की लाइन है दैट इज Q2, मीडियम या P50, 50% केसेस इधर है, 50% केसेस इधर है। एंड जो विस्कर्स है लोअर एंड पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे डेटा में एंड अपर एंड में क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है डेटा में। आप जो देख रहे हो ना दैट जीरो या साइन बनाया हुआ है, दिस इज आउटलायर। आउटलायर तो एनी एक्सट्रीम वैल्यू इन आवर डेटा, वो आउटलायर है। तो हमको इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर सपोज मेरे डेटा में बहुत सारे आउटलायर है, मान लीजिए अभी देखिए जो इसका मीडियन है ऑलमोस्ट बॉक्स के बीच में जा रहे हैं, है ना? अगर इसका मीडियन यहाँ पे आता, हाँ मतलब क्लोज टू यहाँ पे आता है, तो दैट मीन्स अगेन नॉर्मेलिटी इज नॉट देयर, ठीक है? आप बॉक्स के शेप से ना, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि बॉक्स प्लॉट के थ्रू कि क्वार्टर नॉर्मेलिटी है या नहीं। वन अदर मेथड इज जेड स्कोर, आई विल एक्सप्लेन यू जेड स्कोर क्या होते हैं। देन ये सब जो है ना, स्क्यूनेस, क्यूपी प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम भी बना सकते हो आप, ये क्या है, काइंड ऑफ नॉट फॉर्मल मेथड ऑफ असेसिंग नॉर्मेलिटी। फॉर्मली अगर आपको बताना है तो आप करोगे टेस्ट, शपीरो विल्क टेस्ट होता है। इसमें क्या करोगे, आप डेटा को मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे एंड इफ पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, दैट मीन्स योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये जो सारे मेथड है ना, ये सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हो। जब आप प्रॉपर एक मेजर चाहते हो नॉर्मेलिटी का, तो आप टेस्ट करोगे नॉर्मेलिटी का। इतना समझ में आया? किसी को कुछ भी पूछना है? हाँ मैम, अभी जो बताया वो एक बार और प्लीज, ये वाला फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला हाँ देखो, ये तो सब हमने क्या करा, एक तरीके से बहुत ये सब हमको ना ऊपर वाले क्या बता रहे हैं कि सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो हमारा डेटा है वो उसमें स्प्रेड कितना है बेसिकली, ना कि उसमें आउटलायर है या नहीं। बट एग्जैक्टली कोई भी हमको ये नहीं बताएगा कि टेस्ट हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं। बट when we'll use this test ना, शापिरो विल टेस्ट जब हम लगाएंगे एंड इफ पी वैल्यू इज 0.05 से ज्यादा, वी कैन सिंपली कंक्लूड दैट आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। विद ऑल दिस टेस्ट हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा ओके, विद दिस टेस्ट वी कैन कंक्लूड, ओके राइट, ओके। दिस टेस्ट इज लाइक प्रॉपर मेजर ऑफ नॉर्मेलिटी असेस करने का। और सिंपल समझो, सी दिस, दीज ऑल मेजर्स आर यूज फॉर यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी। यूनिवेरिएट मीन्स वेयर वन वेरिएबल इज रिलेटेड, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे मैंने अभी देखा ऑप्टिमिज्म वेलबींग, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि वेलबींग के जो स्कोर्स हैं मेरे पास, आर दे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ वेलबींग का, वन वेरिएबल का। तो देट इज मैं इनमें से कोई भी मेथड लगा सकती हूँ। बट वेन इट कम्स टू बाई वेरिएट नॉर्मेलिटी, मान लीजिए मैं दोनों वेरिएबल के साथ में देखना चाह रही हूँ, जैसे मेरे पास स्कोर है सेल्फ एफिकेसी एंड वेलबींग, ठीक है, एंड 2000 लोग हैं। अगर मैं इंडिविजुअली करूंगी तो देयर आर चांसेस कि सपोज किसी का सेल्फ एफिकेसी पे जा रहा हो,
मतलब सेल्फ इफ किसी पे किसी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा अवे जा रहा हो या किसी का वेलबींग पे जा रहा हो, पर जब मैं बायवेरिएट करूंगी ना तो बायवेरिएट से मुझे क्या पता चलेगा कि क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके स्कोर लाइक इन दोनों के कॉम्बिनेशन है, मतलब वो अवे जा रहा है नॉर्मल से. सो बायवेरिएट मीन्स कितने भी वेरिएबल, लाइक नॉट जस्ट टू, बट अगर मेरे को चार पांच वेरिएबल भी हैं एंड देन आई वांट टू असेस नॉर्मलिटी ऑफ माय डेटा, सो आई विल गो विद बायवेरिएट मेथड. बायवेरिएट कैसे करते हो, महल नॉबिस डिस्टेंस को यूज कर सकते हैं एंड कुक्स डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रिग्रेशन टैब में देखने को मिलेगा. इसका कैसे करना है, कुक डिस्टेंस शुड बी लेस देन वन. हमें क्या पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे 200 लोग हमारे पास डेटा है तो सबका ना कुक्स डिस्टेंस निकल के आएगा. पहले ये समझो महल नॉबिस डिस्टेंस क्या होता है. महल नॉबिस डिस्टेंस का डिस्टेंस क्या करता है, सेंट्रोइड डेवलप कर देता है आपके डेटा से. डेटा को एनालाइज करके एक सेंट्रोइड वो बना देगा एंड देन वो क्या करेगा, हर इंडिविजुअल का देखेगा वो सेंट्रोइड से कितना आवे है. ठीक है, अब जो क्लोजर रहेंगे तो देट मीन्स नॉर्मेलिटी इज नॉट एन इश्यू, बट सपोज कुछ सेंट्रोइड से बहुत आगे चला गया तो उसको मार करके बता देगा. एंड कुक्स डिस्टेंस का भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है उसका, इसका आपको वैल्यू पता चल जाएगा कि लेस देन वन होना चाहिए. अगर किसी का कुक्स डिस्टेंस इज मोर देन वन, मतलब वो पर्टिकुलर केस, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. देखो एग्जाम में ना अभी तक आपसे यूनिवेरिएट वाले पूछे जा चुके हैं, सो बायवेरिएट भी देखे ना आस्क. मैम बायवेरिएट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. जब हम एक ही वेरिएबल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, सो दिस इज यूनिवेरिएट. जब हम पूरे डेटा सेट जिसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं हम सबका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ देखना चाह रहे हैं, तो दैट इज बायवेरिएट मेथड यूज कर रहे हैं. दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, हम महल नॉबिस डिस्टेंस देख सकते हैं. महल नॉबिस डिस्टेंस में क्या होगा, आपके जो डेटा है ना उसके थ्रू एक सेंट्रोइड डेवलप हो जाएगा. दिस इज सेंटर ऑफ ये डेटा मान लीजिए. अब वो देखिएगा कि केस वन कितना दूर जा रहा है सेंट्रोइड से, केस टू कहाँ पे, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव. मैं आपको ऐसे विजुअल एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ. सो मान लीजिए ये सेंट्रोइड है एंड किसी का स्कोर यहाँ पे लाई कर रहा है जो कि विच इज फार अवे फ्रॉम सेंट्रोइड, वो आपका जो महल नॉबिस डिस्टेंस है ना बताता है कि आपका सेंट्रोइड से आपका जो ऑब्जर्वेशन है कितना उसमें डिस्टेंस है. तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा दैट मीन्स वो नॉर्मेलिटी से उतना दूर जा रहा है. एंड देन कुक्स डिस्टेंस भी क्या करता है, हमको यही दिखाता है कि डिस्टेंस कितना है. तो डिस्टेंस शुड बी लेस देन वन, जिस पर्टिकुलर केस की वैल्यू मोर देन वन होगी वो नॉर्मेलिटी को क्रॉस कर रहा है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सो अभी तक बायवेरिएट के क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं है, बट लाइक दे आर इजी टू आस्क. दो हमारे पास मेथड होते हैं, महल नॉबिस डिस्टेंस एंड कुक्स डिस्टेंस. अब इतना याद कर लीजिए, कुक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला इसके इट शुड बी लेस देन वन एंड महल नॉबिस का ना क्रिटिकल वैल्यू चेक करना पड़ता है. ओके मैम थैंक यू. ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू किसका चेंज करना पड़ता है मैम? और महल नॉबिस डिस्टेंस हमको क्रिटिकल वैल्यू चेक करना है थ्रू काई स्क्वायर टेबल ना. महल नॉबिस जब हम रिग्रेशन करेंगे ना तभी भी आपको बताऊंगी. तो ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, फाइन मैम. अभी तक कोई डाउट? ज्यादा हो रहा है कर सकते हैं भी आगे. और आगे करें, चलो एक बहुत इजी से एग्जांपल आपको देते हैं. कुछ अभी एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं. आप तो एक कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट? यस मैम. ठीक है, अभी मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड आने के कितने चांसेस हैं या टेल आने के कितने चांसेस हैं? 50-50, राइट? यस मैम. सो थियोरेटिकली इफ आई टॉस अ कॉइन, 50% चांसेस है कि हेड आए एंड 50% चांसेस है कि टेल आए, राइट? अब मैंने टॉस किया ये मान लीजिए 100 टाइम्स, थियोरेटिकली क्या होना चाहिए?
अगर मैंने कॉइन को 100 times टॉस किया तो थियोरिटिकली होना चाहिए कि 50 times तो हेड आएगा और 50 times टेल्स आएगा. हाँ थियोरेटिकली, थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब आप करोगे तो क्या ऐसा होगा? नो मैम. क्या होगा मैम? मे बी वो हो सकता है कि 20 times हेड आए और 80 times टेल आए, और कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है, राइट? यस राइट. तो मैं आपको बहुत सिंपल से बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ चांसेस किसी के ना कि हेड सपोज 48 आ गया एंड 52 आ गया, वेरी मच लाइकली. बट एग्जांपल आपने कहा ना कि दिस इज 40 एंड दिस इज 80, दिस इज नॉट लाइकली. अच्छा राइट, दिस इज वेरी मच लाइकली. ओके, इसका 45 आ गया, इसका 55 आ गया, दिस इज वेरी मच लाइकली कि बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके. बट इसका 20 आना, इसके 80 आना इज नॉट बाय चांस. इट मे कम, बट जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगी चांसेस बहुत कम है इसके, राइट? अच्छा, आपने कॉइन टॉस किया है, राइट? आप ये बोल रहे हो कि अगेन अभी ना जब आप इस कॉइन टॉस को भी प्लॉट करोगे ना, तो आपने बोला कि 50 आना चाहिए. मान लीजिए हेड्स आपको 50 आना चाहिए, ठीक है? बट इट कैन बी लाइक 50+, थोड़ा सा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. अब ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कितना बाय चांस हो सकता है, कितना इज नॉट बिकॉज ऑफ चांस? जैसे मैंने आपको बोला कि 50 में से 45 आ गया तो बाय चांस हो सकता है, बट ये तो अगर 50 में से 10 ही आया तो दैट इज नॉट बाय चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि 50 में से इधर इधर कितने जो हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि बाय चांस हो सकता है, इसकी लाइन हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? मतलब ये तो मैंने मान से बोल दिया कि 45 एंड 45 से 55 इज वेरी मच लाइकली, बट 42 भी तो हो सकता है ना. यस मैम. तो ये जो लाइन ड्रॉ करना है ना हमको, दिस इज, हम इसको कल समझेंगे और डिटेल में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे करते हैं. और फिर जब यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी कि लाइक मेरे को लगता है कि 40 कैन बी पॉसिबल थ्रू चांस, लेकिन अगर 30 आ जाए तो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ चांस, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप दूसरे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपका स्ट्रेस लेवल वाज 100 में से 70 स्ट्रेस, ये मेजर करा आपको, ठीक है? अभी मैंने आपको कोई इंटरवेंशन दिया, सो नाउ योर स्ट्रेस इज 67. So can I say the score जो reduce हुआ, it is because of the intervention? Yes ma'am. After intervention it is coming 67. Right. So can I say it is because of intervention? Yes ma'am. See, देखो जैसे मैंने आपका score measure किया stress का. So again आज आपको 70 आ गया, 72, ये जो fluctuation है ना थोड़ा बहुत, this is because of chance. I'm not damn sure कि because of my intervention है. थोड़ा फ्लक्चुएशन है ना ये वाला 45 to 55, दिस इज बिकॉज ऑफ चांस. नाउ आई वांट टू नो कि जो भी मेरा स्कोर है, लाइक अगर सपोज एक 70 स्कोर था, राइट, किसी का 67 है, किसी का 65 है, आई वांट टू नो कि बिकॉज ऑफ चांस है कि बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन है, ठीक है? सो अभी क्या होगा, मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगी. नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा इसमें, स्ट्रेस का मेरे इंटरवेंशन का स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं है. सो मैं इंटरवेंशन दूं या ना दूं, स्कोर विल बी सेम. सो स्कोर विल बी सेम डज नॉट मीन कि स्कोर विल बी 70 एवरी टाइम, राइट? स्कोर में भी 69, स्कोर में भी 71, ठीक है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि इसका इफेक्ट है बट हमको नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. एंड वन डायरेक्शन क्या बनेगा कि हम बताएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसको समझेंगे और तरीके से कैसे. दिस इज सपोज दिस इज मीन आपका, समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट? सिर्फ इतना कॉम्प्लेक्स ना समझे, सिर्फ इतना इमेजिन करो कि जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है ना वो तो बाय चांस भी हो सकता है ना.
सपोज में आपका कोई भी आपका टेस्ट हो तो हमेशा तो आपके सेम मार्क्स नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, बट दैट फ्लक्चुएशन इज नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट. बट व्हेन दैट फ्लक्चुएशन इज ह्यूज, जब वो ना हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू उसको एक्सीड कर जाता है, देन वी से कि इट इज बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशन. इज दैट क्लियर? समझ में आया इसका? एक ग्रुप योगा प्रैक्टिस करता है, एक ग्रुप योगा प्रैक्टिस नहीं करता है. इसका वेलबींग का स्कोर इज 58, इसका वेलबींग का स्कोर इज 56. सो जो डिफरेंस है ना, इज इट बिकॉज ऑफ योगा और इज इट बिकॉज ऑफ चांस फैक्टर्स, हमें ये जानना है. ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? एक ग्रुप है जो योगा प्रैक्टिस करता है, एक ग्रुप योगा प्रैक्टिस नहीं करता है, दोनों के हमने स्कोर ले लिए. जो डिफरेंस है ना, सपोज दिस इज देयर मीन स्कोर. सो 58 एक का है एंड 56 दूसरे का. जो दो स्कोर नंबर का जो गैप है ना, जो डिफरेंस है, इज इट बिकॉज ऑफ योगा दैट इज आर इंटरवेंशन और बिकॉज ऑफ चांस? आपको चांस फैक्टर समझ में आया ना? चांस फैक्टर की वजह से डिफरेंस इट्स बाय चांस. नो सॉरी, सी 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 हां हां, नॉट टू से कि चांस की वजह से कि इंटरवेंशन की वजह से. व्हाट वी डू, वी एडमिनिस्टर टेस्ट, सुटेबल स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू ही हम बताएंगे. मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रही हूँ. तो टेस्ट के थ्रू हम ये जानेंगे कि जो ये जो डिफरेंस है ना, इज इट बिकॉज ऑफ चांस और इज इट बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन? ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम. मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि हम या तो ग्रुप डिफरेंस देखेंगे या रिलेशनशिप देखेंगे. सो दिस प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, दिस इज फॉर ग्रुप डिफरेंस. दो ग्रुप हैं, एक योगा प्रैक्टिस करता है, एक योगा प्रैक्टिस नहीं करता है. हम देखना चाह रहे हैं कि डू दे डिफर ऑन वेलबींग, राइट? ये जो ग्रुप है, क्या ये प्रैक्टिसिंग योगा वाला ग्रुप या नॉन प्रैक्टिसिंग योगा वाले ग्रुप से डिफरेंट है? तो ये हम कैसे पता करेंगे? ग्रुप डिफरेंस वाले जो टेस्ट होंगे इसको लगा के. आप लोगों ने नाम सुना टी टेस्ट का? यस मैम. टी टेस्ट कब यूज करते हैं? जो हमें दो ग्रुप्स के बीच में मीन डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है. एग्जैक्टली, हमें दो ग्रुप में मीन डिफरेंस देखना है. तो उसमें यही तो करेंगे ना, योगा प्रैक्टिसिंग ग्रुप है, नॉन योगा प्रैक्टिसिंग ग्रुप है, ठीक है? सबके स्कोर हमारे पास रहेंगे, उसका हमको मीन मिल जाएगा. अब हम मीन देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं. एंड डिफरेंट सिग्निफिकेंट जिसको बोलते हैं, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है? कि जो डिफरेंस है वो इस वाले रीजन में लाई कर रहे हैं या नहीं. अगर वो इसी वाले रीजन में लाई कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ चांस. इतना फ्लक्चुएशन तो नॉर्मल है, बट जब वो क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल रीजन में लाई करते हैं ना, देन वी से इट इज बिकॉज ऑफ, it is not because of chance, it is because of some other factor and probably because of our intervention. So this is called acceptance reason. Okay, when we accept null hypothesis, agar hamara jo value hai na wo isi region mein lie karta hai, that means null hypothesis is true, there is no effect of yoga practice on well-being. When our value exceeds this critical region, critical point को exceed करके critical region में जाता है, तब हम बोलते हैं कि नहीं, effect है, which is statistically significant. ये वाला point समझ में आया? Yes, ma'am. कोई doubt किसी को? ये वाला रीजन हमने डिटरमाइन किया है ना, दिस इज कॉल्ड आवर अल्फा लेवल.
अल्फा होल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यूजुअली अल्फा लेवल हम सेट करते हैं 0.05 पर. सो व्हेन अल्फा लेवल इज 0.05 दैट मींस आउट ऑफ 100 95 टाइम्स क्या होगा ये यहाँ फॉल करेगा. जैसे दोबारा देखो ये वाला है ना बिकॉज ऑफ द आंसर. हमने देखा ना कि जो थोड़ा बहुत डेविएशन है दैट इज नॉर्मल एंड अगर यहाँ पे चला गया तो दैट मींस वो सिग्निफिकेंट है. सो इफ अल्फा लेवल इज 0.05 दैट मींस 95% क्या है 90. अगर मैं ना ये वाला एक्सपेरिमेंट जैसे अगर सपोज योगा वाला मैंने तो एग्जांपल दिया एंड सपोज द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट यहाँ पे एंड एट हमको ना अल्फा लेवल भी उससे बताना होता है कि 0.05 पे दैट मींस कि 95% 95 टाइम्स अगर मैं इस पे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करती हूँ ना तो सेम रिजल्ट्स आएंगे. 5% देयर आर चांसेस ऑफ एरर मींस 5% क्या हो सकता है कि वैल्यू यहाँ पे लाई करें मैं 95 टाइम्स क्या होगा कि वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी. सो अगेन मैं इसको और स्ट्रिंजेंट बना सकती हूँ. आई कैन टेक अल्फा लेवल इज 0.01 मींस 99 टाइम्स वो यहाँ पे लाई करेगी सिर्फ एक बार एरर हो सकता है कि वो बीच में लाई करें. इतना समझ में आ रहा है? सी वी विल कवर दिस ऑल अगेन टुमारो एंड जब भी टेस्ट करेंगे तो सब में करेंगे. जब भी सारे टेस्ट देखेंगे सब में देखेंगे बट प्राइमरीली मैं आपको बेसिक बताना चाह रही हूँ. किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी आगे करें. मैम सब हैंग हो गए. अच्छा मैम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो करवा दीजिए प्रैक्टिस कोई पीवाई के. दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ. बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या मैम? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ये, मतलब काफी टाइम बाद ये पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा ना तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे ना आपको समझ में आ जाएंगे. सो मेरा फोकस अभी यही है कि आपको बेसिक समझ में आ जाए इसका. तो जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे ना अगर आपको ये वेरिएबल का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इसका क्या कैटेगोरिकल है कॉन्टिन्यूअस है देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व. जैसे टी टेस्ट में हमने क्या देखा है टी अभी और सिंपल सा देखा हमने देखा योगा प्रैक्टिस एंड वेलबींग. तो योगा प्रैक्टिस करने में दो ग्रुप लिए. सो दिस वाज अ कौन सा वेरिएबल हो गया ये इट बिकेम अ कैटेगोरिकल वेरिएबल कि दो कैटेगरी है यस और नो. ठीक है एंड वेलबींग का कॉन्टिन्यूस स्कोर हमको चाहिए. तो जब हम टी टेस्ट की बात करें बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू ग्रुप्स सो जो भी हमारे आई वी होगा ना दैट इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसके दो कैटेगरी बना सके जिसके थ्रू हम ग्रुपिंग कर सके. तो टी टेस्ट में एक ग्रुपिंग वेरिएबल होगा एंड एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा. तो अगर आपको अभी समझ में आ गया तो जब पैराग्राफ बन के आ गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एनीवे हम बात कर रहे थे परसेंटाइल वाले की. परसेंटाइल रैंक बताओ पहले क्या होता है. व्हाट इज परसेंटाइल रैंक क्या कन्वे करता है मैम कि हम किधर लाए करते हैं लाइक हमने हाउ मेनी हमने कितना स्कोर किया है दैट्स नो. हाँ मैम जैसे P 70 है तो हम
P70 means ये होगा कि 70 के 70 हमसे बिलो है और बिलो है. यस मैम. Alright. Suppose in this question we have crossed 70. We have crossed 70 people. Not 70 people. 70% हाँ मतलब 70% of people. हाँ हाँ. So if देखिए question क्या है कि Bachelor Adult Intelligence Test test ready में से किया गया and P was P84. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका हमको IQ देखना है. तो इस अभी आपको P84 से क्या समझ आ रहा है? 84% बच्चों से बेटर स्कोर किया है और 84% बच्चों का स्कोर हमसे कम से 84% लोगों से बेटर परफॉर्म इनका है, परफॉर्मेंस इनका है. ठीक. तो इट इज AP84. जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना, हमने क्या देखा था कि 34% के मतलब दिस इज 50% केसेस तो इधर आ गए सारे. यस मैम. 34% केसेस इधर. ठीक है. देन ऐसे करके बढ़ता जाएगा. तो P84 कहाँ लाई करेगा? दिस इज P50. यस मैम. P84 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा. इतना क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ऑलराइट. एंड P16 कहाँ लाई करेगा? बिलो 50. हाँ, क्योंकि हम देखे ना 50 यहाँ पे 50 माइनस 34 16 हो जाएगा. हाँ हाँ. सो P16 यहाँ पे लाया करें. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कि P क्या निकलेगा. राइट. सिंपल है. यस मैम. ये वाला मैम. सो एवरी टाइम वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम टू अंडरस्टैंड? नो. सी इफ यू रिमेंबर हाउ टू. अच्छा. यू विल हैव टू रिमेंबर ना. तो ये वाला आपको बताया था ना. जी. दो तीन बार गो थ्रू करोगे ना आपको याद हो जाएगा कि 50% तो इधर कवर हो ही गया है. 34 इधर इधर आगे आगे भी जा सकता है. अभी इसको एक स्टेप का ये हो गया. सेकेंड स्टेप हमने क्या देखा था कि जब नॉर्मल जब हम बात करें आईक्यू टेस्ट का, सो आईक्यू टेस्ट का मीन इज 100 एंड एसडी इज 15. सो मीन इज 100 मींस मीन तो यहाँ पे आ जाएगा. 15 मतलब क्या है? 15 बिलो जाएगा मैम इस तरफ, 16 के एक पॉइंट आगे. नो नो नो. सी मैम प्लस परसेंटाइल. ओके 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 ओके. दिस इज स्कोर्स. ठीक है. So P50 means के 100 score is mean. तो जब मैंने क्या बताया था आपको, देखो mean plus minus SD means mean में से 15 minus कर दोगे तो यहाँ पे score. Mean minus 15 कितना आएगा? 85. हाँ. Mean plus 15 means 150. Okay okay okay. हाँ. इसी वाले diagram को देखो. हाँ. एक यूनिट है ना, इसमें कितना गैप है? तो आईक्यू स्कोर जो आईक्यू टेस्ट है उनका फिक्स है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15. सो वी नो दैट 100 में 15, सो 115 इज 1 एसडी. अगेन 115 प्लस 15 इज 130. 50-15 प्लस करते जाओगे आपको मिल जाएगा. राइट. अभी क्वेश्चन वाज कि उसका उसका पी इज 84. पी निकालो तो समझ में आ गया ना कैसे निकालो भी, केसेस कितने लाई कर रहे हैं उसके बिलो. बिलो तो आप निकालोगे. पी 84 पे कितना स्कोर आ रहा है? 115. तो देयर इज आंसर. ओके. ऑलराइट. इफ क्वेश्चन आस्क, क्योंकि एक पर्सन का आईक्यू स्कोर इज 85. दोबारा से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आईक्यू स्कोर दिया हुआ है और आपसे परसेंटाइल रैंक पूछ ले. ठीक है. अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि आईक्यू स्कोर इज 85. हाँ. तो हमको हमको पता है, दिस इज बैकग्राउंड में हमको पता है कि 100 इज मीन एंड एसडी इज 15.
हाँ सो 85 कहाँ पे लाई करेगा? बेसिकली 85 विल लाई इट -1 SD. इसको देखो तो ठीक है, हमको पता है कि 100 इज मीन 85, ये ना आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बन जाएगा, अभी मुश्किल लग रहा होगा शायद. सो 85 यहाँ पे लाई करेगा, तो हमने देखा ना कि यहाँ तक कितने परसेंट केसेस आ रहे हैं, सिर्फ 16% केसेस यहाँ तक कवर हो रहे हैं. इस वाली एरिया में 34% केसेस में प्लस करोगे तो फिर 50 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 16% केसेस कवर हो रहे, तो उस जिसका ये स्कोर 85 है ना, उसका उसका परसेंटाइल बनेगा P16. P16, बहुत ओके बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, स्कोर देके आपका रैंक पूछ लिया या फिर रैंक देके आपका स्कोर पूछ लिया. और उन्होंने देखो क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है इस क्वेश्चन है ना कि हैविंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर्स, इंटेलिजेंस स्केल का फिक्स है कि मीन इज 100, एसडी इज 50. मैम, क्वेश्चन इज क्वाइट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो आप कर सकते हो सॉल्व इसको. अभी जैसे परसेंटाइल में पूछा तो हम P16 बोलेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए उन्होंने पूछा कि 85 कौन से यानी एसडी के बेसिस पे किधर लाई करता है, देन वी विल बी वो -1 SD आ जाएगा. -1 SD। ओके ठीक है मैम। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको कल अभी ना, अगर अभी समझ रहा है तो मैं बता सकती हूँ जेड स्कोर कैसे निकालते, तो फिर और इजीली समझ आ जाएगा आपको. जेड स्कोर बताऊँ कैसे निकालते हैं? देखो जेड स्कोर कुछ यस बहुत मैम। डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है मैम। जैसे 1 to 100 पे आपके स्कोर मिल रहे हैं ना, तो दे आर रॉ स्कोर्स. अब आप क्या कर सकते हो, इनको कन्वर्ट कर सकते हो, इनको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड स्कोर्स में. स्टैंडर्ड मींस क्या था ना कि स्केल ऑफ मेजरमेंट इज सेम. जैसे रॉ स्कोर आपके 1 to 100 के बीच में आ सकते हैं, फिर हो सकता है कि आपके स्केल में 1 to 80 के स्कोर आते हो. हमको समझ में नहीं आएगा कि 75 मतलब क्या, यहाँ पे 75 का डिफरेंट मीनिंग होगा, यहाँ पे 75 का डिफरेंट मीनिंग होगा. बट वेन वी कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड स्कोर जेड स्कोर, तो हमको मीनिंग कन्वे हो जाएगा. कैसे? जेड स्कोर क्या करता है, रॉ स्कोर को एसडी यूनिट में चेंज कर देता है. रॉ स्कोर चेंज हो जाएगा एसडी यूनिट में, मैम स्टैंडर्ड यूनिट. वॉइस वॉइस ब्रेक हो गया मैम, अच्छा वॉइस देखो, ब्रेक हो दो गया। हाँ समझो दोबारा से. जेड स्कोर क्या करता है, रॉ स्कोर को कन्वर्ट कर देता है एसडी यूनिट्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट में आपको बताता है. कैसे? ठीक है हाँ जैसे इसी वाले एग्जांपल का समझते हैं कि उसका स्कोर इज फॉर एग्जांपल 115 उसका स्कोर था ना, 115 आर रॉ स्कोर. ठीक है, हमको बैकग्राउंड में पता है कि मीन इज इक्वल टू 100 एंड एस डी इज इक्वल टू 15. तो रॉ स्कोर को एस डी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो रॉ स्कोर इज 115, मीन इज, मीन क्या है, व्हाट इज मीन अभी बताया ना, आई जी, आई के टेस्ट के जो है ना, दिस इज फिक्स्ड कि मीन इज 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15. 15 तो मीन इज 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, क्या निकलेगा इसका सॉल्यूशन? 15 डिवाइडेड बाय 15 दैट मींस 1. +1 सिंस साइन इज पॉजिटिव दैट मींस ये लाई करेगा 1 SD पे, 1 यहाँ पे लाई करेगा. अगर इसका स्कोर जैसे मैंने आपको बताया था, इसका स्कोर इज 85 मान लीजिए, सेम फॉर्मूला, 85 इज रॉ स्कोर माइनस मीन इज, मीन 100 है, इसको 100 डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्या क्या निकलेगा? एट्टी फाइव माइनस 100 इज इक्वल टू 15 15, कौन 15 राइट. -15 -1 हो जाएगा -1. -1 ये जो 1 का यूनिट है ना, दैट इज इन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे लाई करेगा.
समझ में आया? जेड स्कोर क्या करता है, यस रॉ स्कोर को स्टैंडर्डाइज कर देता है, एसडी की यूनिट हम को बताते हैं। तो आप इसको ऐसे जेड स्कोर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। एक्चुअली सारे चीजें ना, दे आर इंटरलिंक्ड। इसमें दे हैव नॉट गिवन जेड स्कोर, बट हाँ अभी क्लियर है क्वेश्चन ये वाला। Yes, ma'am. बस आपको ध्यान रखना कि आईक्यू टेस्ट में मीन इज 100 एंड एसडी इज 15, चलेगा? इन्होंने लिखा हुआ सारा ना, जो भी आपको पता है, जेड स्कोर का भी मैंने फॉर्मूला दिया होगा। ये रहा, हम क्या जानते हैं जेड स्कोर के थ्रू, कि जो एक्स है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो मीन से कितना दूर फॉल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एसडी, वो जेड स्कोर हो जाएगा। फॉर्मूला इज सिंपल, आर स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना क्लियर हो गया? यस मैम, वन एक प्रॉब्लम हो गई थी अभी, लाइक नेटवर्क इशू हो गया था, तो जब आप जेड स्कोर समझा रहे थे तो उस समय सब कुछ चले गया था, तो जस्ट नाउ आई हैव जॉइन अगेन, सो आई विल सी द वीडियो एंड आई विल अंडरस्टैंड। एक बार दोबारा से वो इतना समझ में आ गया ना कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं उसको। यस मैम, वहां तक समझा है मैम। तो वही वाला मैंने इसमें दोबारा बताया कि जो भी हमारा स्कोर है उसको माइनस करेंगे मीन से, डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड यूनिट से। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर जो स्कोर है वो मीन से कितना दूर जा रहा है ना, कि मीन से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ एसडी। राइट मैम। एंड व्हाई वी हैव यूज्ड एसडी, बिकॉज वी नो ना कि जो एम्पिरिकल रूल है वो हमको क्लियरली बता देगा कि जो 1 SD से -1 से +1 के बीच में कितने केसेस फॉल करेंगे, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली यही प्राइमरी यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि आपको सब क्या एक ही स्केल पे मिल जाएगा, राइट? एनी अदर डाउट, कुछ पूछना है किसी को? अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें आने का? यस मैम, यस मैम। ऑलराइट, आप कर लीजिए, वैसे सारा बेसिक ही है, बट अगेन अभी हम जब भी नेक्स्ट करेंगे तो सारा रिवीजन दोबारा से होगा ये सारा। आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, ठीक है? एंड बिलीव मी, लाइक अगर योर बैकग्राउंड इज क्लियर ना, तो आगे वाला जो कॉम्प्लेक्स लगता है वो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है? आई कैन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस, लेकिन उससे कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर थोड़ा सा चेंज करके आएगा तो समझ नहीं पाओगे। बट इफ योर बैकग्राउंड इज स्ट्रॉन्ग तो आप उसका मीनिंग ड्रॉ कर पाओगे, सो दैट इज द मेन टारगेट, ठीक है? एंड क्वेरीज होंगी तो आप नेक्स्ट टाइम से पूछ लेना, फाइन देन। तो मैम ये कल कल रिवाइज करके ही हम फिर आगे बढ़ेंगे ना मैम? आप अपने एंड पे कर लो, इफ देयर एग्जिस्ट एनी डाउट तो आप कर लेंगे, एंड अगर आप ठीक है ओवर भी मैम, चाहते तो वी कैन गो थ्रू दैट अगेन, ओके मैम, राइट? यस मैम, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।